हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है मीटर तो मीटर 2023 के की एक तेलुगू लैंग्वेज फिल्म है जिसको रिसेंटली हिंदी में भी रिलीज़ किया गया है तो ये सभी वर्जनस कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाले फिल्म के रिगार्डिंग डीप में चर्चा होने वाले जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर भी चर्चा करूंगा फिल्म का एक डीप रिव्यू करूंगा आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत होने वाली है फिल्म से जुड़े डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं मीटर जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें बिल्कुल रोमांस को भी थोड़ा तड़का दिया हुआ है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज में सोलो रिलीज मतलब कि तेलुगु वर्जन में ही रिलीज की गई थी तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसे वर्जनस में रिलीज नहीं की हुई थी फिल्म को तो अब बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म का स्टोरी आइडिया था वो था रमेश सूर्या का जिसके ऊपर उन्होंने स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे और इस फिल्म की कहानी को रमेश कडोरी ने डायरेक्ट किया हुआ था तो रमेश और सूर्य ये दोनों ने मिलकर स्क्रिप्टिंग डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें तैयार की उसके बाद में रमोज रमेश कडोरी जो इस फिल्म के राइटर भी थे तो उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के साथ काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी था कॉन्सेप्ट था वो एक डिसेंट कॉन्सेप्ट था इस फिल्म के लीड रोल में किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे अतुल्या रवि उनके अपोजिट कास्ट की गई है इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी वेंकट दिलीप चुंदूरदोर ने की हुई है सुरेश सारंगम ने भी सिनेमेटोग्राफी में काम किया हुआ था इसके अलावा फिल्म की जो एडिटिंग है वो की हुई है कार्तिका श्रीनिवास ने कार्तिका श्रीनिवास ने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया है लेकिन जब इस फिल्म को ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर फिल्म सिर्फ दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ प्रीमियर हुई थी इसका मतलब कि दो तीन मिनट का जो डिफरेंस है वो आपको डेफिनेटली ओ रिलीज में देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म के जो सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेशन मिला था वो था यूए जहां पर तेरह साल और उससे बड़े बच्चे अपने पेरेंट्स की फैमिली फ्रेंडली फिल्म ही कह सकते हैं इस इसमें ऐसा कोई न्यूडिटी वलगरिटी वाले से चीजें नहीं डाली हुई थी तो डेफिनेटली ये फिल्म फैमिली ऑडियंस भी इंजॉय कर सकती है अब बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस की तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था क्लेप एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने लो मीडियम बजट में इस फिल्म को बनाया था वहीं पे इस फिल्म को प्रेजेंट और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था मैथ्री मूवी मेकर्स वालों ने जहाँ पे मैथ्री मूवी मेकर्स वालों ने इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज करवाया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो म्यूज़िक के राइट साई कार्तिक ने सॉरी म्यूजिक कंपोजिशन साई कार्तिक ने की हुई थी सोनी तो म्यूजिक इंडिया वालों ने राइट्स खरीदे थे फिल्म में सिर्फ तीन गाने थे वैसे फिल्म का रन टाइम भी करीब थे करीबन दो घंटे के आसपास का ही रन टाइम था तो उस हिसाब से चीज़ें काफ़ी शॉर्ट और फास्ट वे में रखी हुई थी स्क्रीन प्ले में चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड वे में दिखाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे जिन्होंने अर्जुन कल्याण का रोल प्ले किया हुआ है उनका यंग वर्जन था वो मास्टर रोशन ने प्ले किया हुआ था तुलिया रवि जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी जो अर्जुन के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी आपको धनुष पवन ने इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम भाई रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है सब सप्तगी इस फिल्म में अर्जुन के अंकल का रोल प्ले करते नजर आएंगे पोसानी कृष्णा मुरली ने कमिश्नर पी कृष्णा मुरारी का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा को इस फिल्म में डीजीपी दिलीप रावत का रोल दिया गया था सूर्या ने भरानी का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो बिफोर सर्जरी वाला था वो कौन से इसमें डाला हुआ है आफ्टर सर्जरी जो अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल है वो गौतम राजू ने प्ले किया हुआ है तग्गु बोतू रमेश इस फिल्म में ड्रंकार्ड के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा वामसी ने इस फिल्म में एस आई वेंकट रत्नम का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के फादर का रोल है कल्पलता इस फिल्म में अर्जुन की मां का रोल प्ले

बाईस 23 में तेलुगु वर्जन में क्रिएट किया गया था जहां पे सोनी म्यूजिक इंडिया के अंडर इस फिल्म को ब, लेबल क, करा गया था यानी कि सोनी म्यूजिक वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म का पहला गाना चमक चमक पोरी उसको गाया हुआ था अरुण कोंदलिया और एम गायत्री ने जिसको सोनी म्यूजिक के द्वारा पंद्रह मार्च दो को रिलीज करवाया गया था ओ बेबी जारी पोक मांग के करके जो गाना था उसको धनंजय ने गाया हुआ था उसको इक्कीस मार्च दो को रिलीज करवाया गया था सोनी म्यूजिक के द्वारा

वो अर्जुन कल्याण जो किरण अब्बावरम हमें उससे इस तीर्थ गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहता अपने पापा की तरह लेकिन उसके सामने कुछ सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हुए लेकिन वो वही सब चीज़ों के चलते वो किसी तरह से एक सब इंस्पेक्टर बन जाता है हैदराबाद में और वो किसी तरह से इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं इस वजह से वो खुद को सस्पेंड करवाने के पीछे तुला हुआ है कहीं ऐसी कोशिशें करता है लेकिन धीरे धीरे ये सभी चीज़ें करने के चलते वो बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जहां पे वो उसकी जो रेपूटेशन है और बेहतर हो जाती है एज़ सब इंस्पेक्टर के तौर पे जहां पे अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे वो खुद को एक क्रॉसिंग पाथ करते समय होम मिनिस्टर का कंतम भाई रेड्डी जो रोल प्ले करे धनुष पवन उसके साथ कुछ चीज़ें उसकी होती है जहाँ पे लेटर ऑन अर्जुन को सभी चीज़ें पता चलती है उसके पीछे का एक कुछ सच पता चलता है वो सच क्या है अर्जुन अब आगे क्या करेगा वही सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के साथ किरण अब्बावरम जो इस देखा जाए पहली बार पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे वो आउट एंड आउट एक एक्शन रोल में पहली बार देखने को मिले थे इस फिल्म में उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनका एज अ पुलिस ऑफिसर जो एटीट्यूड था वो देखने में आपको पसंद आएगा इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है कि वो अच्छे एक्टर तो है ही लेकिन साथ में अच्छे डांसर भी है जिस तरह से मास सॉन्ग्स के ऊपर उनका जो स्टेप देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने प्री क्लाइमेक्स में जो चीज़ें क्रिएट की हुई थी जो फैंस को डेफिनेटली पसंद आएगी धनुष पवन जो इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम बाई रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उनका काम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र आता है किरण अब्बावरम और धनुष पवन इन दोनों के बीच में कुछ फेस ऑफ सीन्स भी रखे हुए हैं उस सीन्स को डायरेक्टर ने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है जहाँ पे ये जिस तरह से धनुष पवन विलन का रोल प्ले कर रहे थे वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट देते हुए नज़र आते पोसानी कृष्णा मुरली और सप्तगिरी इस फिल्म में उनको बड़े रोल मिले हुए थे जहाँ पे अपने इस रोल के साथ वो काफ़ी एंटरटेनिंग नज़र आ रहे थे डेफिनेटली अपने जो पंच डायलॉग्स थे वो थ्रू आउट द फिल्म जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं वो आपको एंटरटेन करते हैं इसके अलावा बाकी के सभी एक्टर्स है वो फिल्म के साथ जस्ट ओके काम करते हुए नजर आते इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो अच्छा था उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश भी किया था जिस तरह से किरण अब्बावरम को एक मास हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा था जिस तरह से स्टोरी में सभी चीज़ें दिखाई जा रही थी स्टोरी अच्छी थी एंगेजिंग थी साथ ही में एंटरटेनिंग थी लेकिन जिस तरह से उसके स्क्रिप्टिंग की हुई है जिस तरह से काफ़ी सारी पुरानी फिल्मों को उठा के इस फिल्म में सभी चीज़ों को मिक्स किया हुआ है वो सभी चीज़ें देखी दिखाई नजर आती है जिस वजह से जो फ्रेश स्टोरी आइडिया लगने की जो एक संभावना थी वो जिस तरह से कहानी को डेवलप किया गया है जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है कम्प्लीटली वो रूटीन और इमप्रॉपर इन लॉजिकल स्क्रीन प्ले नज़र आता है कुछ सीन्स में तो कम्प्लीटली ओवर दी टॉप इन लॉजिकल चीज़ें आपको इतनी देखने को मिल जाती है जो कन्विंस नहीं हो पाती है हीरोइन में आपको अतुल्य रवि देखने को मिलती है उनको बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया गया है जहाँ पे कुछ गानों में वो फीचर होती है इसके अलावा एक दो सीन्स में देखने को मिलती है उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो स्टोरी में कुछ अपना इनपुट दे पाए रोल इतना छोटा था स्टोरी में अगर वो रोल ना भी रखते तो भी उतना कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं था इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है रमेश कडूरी ने जिनका एज अ डरेक्टर के तौर पर डेब्यू था उनका जो स्टोरी आइडिया था वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग था स्क्रीन प्ले था वो इस फिल्म का जो था वो भी अच्छा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वो नयापन आना चाहिए था फिल्म में डायरेक्टर स्टोरी को बेहतर तो काफी उम्मीद से बेहतर हो सकती थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में साई कार्तिक ने अच्छा काम किया हुआ है जहां पे बैकग्राउंड सॉन्ग्स दोनों अच्छे थे मास मोमेंट में जिस तरह से एक्शन सीनस है वहां पे भी बीजेम अच्छा बचता है इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है चीज़ों को बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया है क्रिस्प तरीके से की गई है हाँ कुछ जगह पर फिल्म की एडिटिंग में और क्रिस्पनेस हो सकती थी करीबन ये फिल्म दो घंटे पाँच दस मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ रिलीज हुई है तो आ, आसानी से इस फिल्म को एक घंटे पचपन मिनट के आसपास का रन टाइम मिल सकता था दस मिनट जितनी और क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी नीट नज़र आती है ऑन दी होल मीटर एक मेडियोकर पुलिस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे चीज़ें बोरिंग है अनइंप्रेसिव है रूटीन और प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने डिलीवर किया है वो पूरी तरह से रूटीन नजर आता है प्रिडिक्टेबल नज़र आता है हाँ किरण और हम आउट एंड आउट एक्शन मास रोल में पहली बार देखने को मिले तो उनको देखने के लिए आप इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकते हो अदरवाइज कोई नयापन आपको ऑफर नहीं होगा मीटर फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे सात अप्रैल दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म को बताया गया था कि ये बोरिंग या अनइम्प्रेसिव ऐसा कुछ क्रिटिक्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिला था और आई एम डी पे इस फिल्म ने तीन सौ छियासी वोट हासिल किए उसके बाद में जिसमें तीन पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से जो रेटिंग काफ़ी डाउन मानी जाती है अगर इस हिसाब से जे देखा जाए तो वैसे इस फिल्म के जो तेलुगु ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के जो राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल वारों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे हिंदी सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड के पास थे तो उन्होंने इस फिल्म को मीटर नाम से ही डब करवाया हुआ है फ़िलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु वर्जन में नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मीटर नाम के साथ देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है जब कभी भी आपको ऑफिशियली ओ पे देखने को मिलेगा तो वो देखने को मिलेगा यूट्यूब चैनल श्री इंटरनेशनल के ऊपर वहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में मीटर नाम से प्रीमियर करवाया जाएगा इसके अलावा इस फिल्म को जेमिनी टी के ऊपर तेलुगु वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए न देख सकते हो हिंदी डब वर्ज़न है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ हिंदी में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मीटर फिल्म को अगर फिलहाल मैं आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु वर्जन में नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल देख सकते हो जहां पे इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन ही अवेलेबल है है वहीं पे हिंदी हिंदी वर्जन वो आपको श्री इंटरनेशनल के 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 चैनल ऊपर आने वाले समय में 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 बिल्कुल फ्री डब मीटर नाम के साथ हैंग्लिश सब टाइटल देखने को मिलेगा इसके सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो जेमिनी टीवी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो ठीक उसी तरह स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड टू जैसी चैनल्स के ऊपर मीटर का जो हिंदी डब वर्जन है वो भी आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से मीटर फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में एंजॉय कर पाओगे मीटर जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें बिल्कुल रोमांस को भी थोड़ा तड़का दिया हुआ है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज में सोल्वर रिलीज मतलब कि तेलुगु वर्जन में ही रिलीज़ की गई थी तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसे वर्जन्स में रिलीज़ नहीं की हुई थी फ़िल्म को अब बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म का स्टोरी आइडिया था वो था रमेश सूर्या का जिसके ऊपर उन्होंने स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे और इस फिल्म की कहानी को रमेश कडूरी ने डायरेक्ट किया हुआ था या तो रमेश और सूर्य ये दोनों ने मिलकर स्क्रिप्टिंग डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें तैयार की उसके बाद में रमोज रमेश कडूरी जो इस फिल्म के राइटर भी थे तो उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के साथ काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी था कॉन्सेप्ट था वो एक डिसेंट कॉन्सेप्ट था इस फिल्म के लीड रोल में किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे अतुल्या रवि उनके अपोजिट कास्ट की गई है इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी वेंकट दिलीप चुंदूरदूर ने की हुई है सुरेश सारंगम ने भी सिनेमेटोग्राफी में काम किया हुआ था इसके अलावा फिल्म की जो एडिटिंग है वो किए हुई है कार्तिका श्रीनिवास ने कार्तिका श्रीनिवास ने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया है लेकिन जब इस फिल्म को ओ टी टी प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर फिल्म सिर्फ दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ प्रीमियर हुई थी इसका मतलब कि दो तीन मिनट का जो डिफरेंस है वो आपको डेफिनेटली ओ रिलीज में देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म के जो सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेशन मिला था वो था यूए इसमें को इस कोई न्यूडिटी वलगरिटी वाले से चीजें नहीं डाली हुई थी तो डेफिनेटली ये फिल्म फैमिली ऑडियंस भी इंजॉय कर सकती है अब बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस की तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था क्लेप एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने लो मीडियम बजट में इस फिल्म को बनाया था वहीं पे इस फिल्म को प्रेजेंट और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था मैत्री मूवी मेकर्स वालों ने जहाँ पे मैत्री मूवी मेकर्स वालों ने इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज करवाया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो म्यूजिक के राइट साई कार्तिक ने सॉरी म्यूजिक कंपोजिशन साई कार्तिक ने की हुई थी सोनी तो म्यूजिक इंडिया वालों ने राइट्स खरीदे थे फिल्म में सिर्फ तीन गाने थे वैसे फिल्म का रन टाइम भी करीब थे करीबन दो घंटे के आसपास का ही रन टाइम था तो उस हिसाब से चीज़ें काफ़ी शॉर्ट और फास्ट वे में रखी हुई थी स्क्रीन प्ले में चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड वे में दिखाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे जिन्होंने अर्जुन कल्याण का रोल प्ले किया हुआ है उनका यंग वर्जन था वो मास्टर रोशन ने प्ले किया हुआ था तुल्या रवि जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी जो अर्जुन के लव इंट्रेस का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी आपको धनुष पवन ने इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम बाई रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है सब तक ये इस फिल्म में अर्जुन के अंकल का रोल प्ले करते नजर आएंगे पोसानी कृष्णा मुरली ने कमिश्नर पीर कृष्णा मुरारी का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा को इस फिल्म डीजीपी दिलीप रावत का रोल दिया गया था सूर्या ने भरानी का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो बिफोर सर्जरी वाला था वो कॉन्सेप्ट इसमें डाला हुआ है आफ्टर सर्जरी जो अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल है वो गौतम राजू ने प्ले किया हुआ है तग्गू बोतो रमेश इस फिल्म में ड्रंकार्ड के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा वामसी ने ने इस फिल्म में एस आई वेंकटा रत्नम का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के फादर का रोल है कल्पलता इस फिल्म में अर्जुन की मां का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी समेता गांधी ने इस फिल्म में अर्जुन के ग्रैंड का रोल प्ले किया हुआ है देवी प्रसाद ने इस फिल्म में डी ठाकुर शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा केशव दीपक ने डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर रोहिणी आपको नून के रोल में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो साई कार्तिक के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए गए थे फिल्म में टोटल तीन गाने थे सभी गानों के लिरिक्स थे वो बालाजी ने लिखे हुए थे इन गानों को दो हजार में तेलुगु वर्जन में क्रिएट किया गया था जहाँ पे सोनी म्यूजिक इंडिया के अंडर इस फिल्म को लेबल करा गया था यानी कि सोनी म्यूजिक वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म का पहला गाना चमक चमक पोरी उसको गाया हुआ था अरुण कोंदलिया और एम एल गाय ने जिसको सोनी म्यूजिक के द्वारा 15 मार्च 2023 को रिलीज करवाया गया था 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 ओ बेबी के करके जो गाना था, उसको था, उसको धनंजय ने गाया हुआ 21 मार्च 2023 को रिलीज करवाया गया था सोनी म्यूजिक के द्वारा मीटर टाइटल सॉन्ग था जो टाइटल ट्रैक था उसको साई कार्तिक ने गाया हुआ था जो इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर भी थे जिन्होंने इस गाने को सोनी म्यूजिक वालों ने चार अप्रैल दो को रिलीज किया तो टोटल ये तीन गाने फिलहाल में सभी रिलीज करवा दिए गए सोनी म्यूजिक के द्वारा तो फिलहाल में ये सभी गाने आपको सोनी साउथ के ऑफिशियल चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है वो अर्जुन कल्याण जो किरण अब्बावर हमें उससे इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे वो और पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहता अपने पापा की तरह लेकिन उसके सामने कुछ सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हुए लेकिन वो वही सब चीज़ों के चलते वो किसी तरह से एक सब इंस्पेक्टर बन जाता है हैदराबाद में और वो किसी तरह से इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं इस वजह से वो खुद को सस्पेंड करवाने के पीछे तुला हुआ है कहीं ऐसी कोशिशें करता है लेकिन धीरे धीरे ये सभी चीज़ें करने के चलते वो बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जहाँ पे वो उसकी जो रेपुटेशन है और बेहतर हो जाती है एज़ सब इंस्पेक्टर के तौर पे जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे वो खुद को एक क्रॉसिंग पाथ करते समय होम मिनिस्टर का कंतम भाई रेड्डी जो रोल प्ले करे धनुष पवन उसके साथ कुछ चीज़ें उसकी होती है जहाँ पे लेटर ऑन अर्जुन को सभी चीज़ें पता चलती है उसके पीछे का एक कुछ सच पता चलता है वो सच क्या है अर्जुन अब आगे क्या करेगा वही सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के साथ किरण अब्बावरम जो इस देखा जाए पहली बार पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे वो आउट एंड आउट एक एक्शन रोल में पहली बार देखने को मिले थे इस फिल्म में उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनका एज अ पुलिस ऑफिसर जो एटीट्यूड था वो देखने में आपको पसंद आएगा इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है कि वो अच्छे एक्टर तो है ही लेकिन साथ में अच्छे डांसर भी है जिस तरह से मास सॉन्ग्स के ऊपर उनका जो स्टेप देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने प्री क्लाइमेक्स में जो चीज़ें क्रिएट की हुई थी जो फैंस को डेफिनेटली पसंद आएगी धनुष पवन जो इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम बाई रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे उनका काम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आता है किरण अब्बावरम और धनुष पवन इन दोनों के बीच में कुछ फेस ऑफ सीन्स भी रखे हुए हैं उस सीन्स को डायरेक्टर ने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है जहाँ पे ये जिस तरह से धनुष पवन विलन का रोल प्ले कर रहे थे वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट देते हुए नज़र आते पोसानी कृष्णा मुरली और सप्तगिरी इस फिल्म में उनको बड़े रोल मिले हुए थे जहाँ पे अपने इस रोल के साथ वो काफ़ी एंटरटेनिंग नज़र आ रहे थे डेफिनेटली अपने जो पंच डायलॉग थे वो थ्रू आउट द फिल्म जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं वो आपको एंटरटेन करते हैं इसके अलावा बाकी के सभी एक्टर्स है वो फिल्म के साथ जस्ट ओके काम करते हुए नज़र आते इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो अच्छा था उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश भी किया था जिस तरह से किरण अब्बावरम को एक मास हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा था जिस तरह से स्टोरी में सभी चीज़ें दिखाई जा रही थी स्टोरी अच्छी थी एंगेजिंग थी साथ ही में एंटरटेनिंग थी लेकिन जिस तरह से उसके स्क्रिप्टिंग की हुई है जिस तरह से काफ़ी सारे पुराने फिल्मों को उठा के इस फिल्म में सभी चीज़ों को मिक्स किया हुआ है वो सभी चीज़ें देखी दिखाई नजर आती है जिस वजह से जो फ्रेश स्टोरी आइडिया लगने की जो एक संभावना थी वो जिस तरह से कहानी को डेवलप किया गया है जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है कम्प्लीटली वो रूटीन और इम्प्रॉपर इन लॉजिकल स्क्रीन प्ले नज़र आता है कुछ सीन्स में तो कम्प्लीटली ओवर दी टॉप इन लॉजिकल चीज़ें आपको इतनी देखने को मिल जाती है जो कन्विंस नहीं हो पाती है हीरोइन में आपको अतुल्य रवि देखने को मिलती है उनको बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया गया है जहाँ पे कुछ गानों में वो फीचर होती है इसके अलावा एक दो सीन्स में देखने को मिलती है उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो स्टोरी में कुछ अपना इनपुट दे पाए रोल इतना छोटा था स्टोरी में अगर वो रोल ना भी रखते तो भी उतना कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं था इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है रमेश कडूरी ने जिनका एज अ डरेक्टर के तौर पर डेब्यू था उनका जो स्टोरी आइडिया था वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग था स्क्रीन प्ले था वो इस फिल्म का जो था वो भी अच्छा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वो नयापन आना चाहिए था फिल्म में देखने के देखते समय जो इंजॉयमेंट मिलनी चाहिए थी वो उतनी नहीं मिल पाती है डायरेक्टर इस फिल्म में स्क्रीन प्ले के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करते स्टोरी को बेहतर वे में डेवलप करते तो हो सकता था चीज़ें काफ़ी उम्मीद से बेहतर हो सकती थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में साई कार्तिक ने अच्छा काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों अच्छे थे मास मूवमेंट में जिस तरह से वहाँ पे भी बीजेम अच्छा बचता है इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है चीज़ों को बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया है क्रिस्प तरीके से की गई है हाँ कुछ जगह पर फिल्म की एडिटिंग में और क्रिस्पनेस हो सकती थी करीबन ये फिल्म दो घंटे पाँच दस मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ रिलीज़ हुई है तो आ, आसानी से इस फिल्म को एक घंटे पचपन मिनट के आसपास का रन टाइम मिल सकता था दस मिनट जितनी और क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी नीट नज़र आती है ऑन दी होल मीटर एक मेडियोकर पुलिस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे चीज़ें बोरिंग है अनइम्प्रेसिव है रूटीन और प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने डिलीवर किया है वो पूरी तरह से रूटीन नज़र आता है प्रिडिक्टेबल नज़र आता है हाँ किरण अब्बावरम आउट एंड आउट एक्शन मास रोल में पहली बार देखने को मिले तो उनको देखने के लिए आप इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकते हो अदरवाइज कोई नयापन आपको ऑफर नहीं होगा मीटर फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे 7 अप्रैल 2023 को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू नेगेटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इस फिल्म को बताया गया था कि ये बोरिंग है अनइंप्रेसिव है ऐसा कुछ क्रिटिक्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिला था और आई एम डी पे फिल्म ने तीन वोट हासिल किए उसके बाद में जिसमें तीन की रेटिंग हासिल हुई दस में से जो रेटिंग काफ़ी डाउन मानी जाती है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वैसे इस फिल्म के जो तेलुगु ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के जो राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल वारों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे हिंदी सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड के पास थे तो उन्होंने इस फिल्म को मीटर नाम से ही डब करवाया हुआ है फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु वर्जन में नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन मीटर नाम के साथ देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है जब कभी भी आपको ऑफिशियली ओ पे देखने को मिलेगा तो वो देखने को मिलेगा यूट्यूब चैनल श्री इंटरनेशनल के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में मीटर नाम से प्रीमियर करवाया जाएगा इसके अलावा इस फिल्म को जेमिनी टी के ऊपर तेलुगु वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए न देख सकते हो हिंदी डब वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ हिंदी में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि मीटर फिल्म को अगर फिलहाल मैं आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु वर्जन में नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो जहां पे इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन ही अवेलेबल है या वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको श्री इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले समय में बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में मीटर नाम के साथ विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगा इसके सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो जेमिनी टीवी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो ठीक उसी तरह स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड टू जैसी चैनल्स के ऊपर मीटर का जो हिंदी डब वर्जन है वो भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो तो इस तरह से मीटर फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में एंजॉय कर पाओगे मीटर जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें बिल्कुल रोमांस को भी थोड़ा तड़का दिया हुआ है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज में सोलो रिलीज मतलब कि तेलुगु वर्जन में ही रिलीज़ की गई थी तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसे वर्जनस में रिलीज़ नहीं की हुई थी फ़िल्म को अब बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म का स्टोरी आइडिया था वो था रमेश सूर्या का जिसके ऊपर उन्होंने स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे और इस फिल्म की कहानी को रमेश कडूरी ने डायरेक्ट किया हुआ था या तो रमेश और सूर्य ये दोनों ने मिलकर स्क्रिप्टिंग डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें तैयार की उसके बाद में रमो रमेश कडूरी जो इस फिल्म के राइटर भी थे तो उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के साथ काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी था कॉन्सेप्ट था वो एक डिसेंट कॉन्सेप्ट था इस फिल्म के लीड रोल में किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे अतुल्या रवि उनके अपोजिट कास्ट की गई है इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी वेंकट दिलीप चुंदूरदोर ने की हुई है सुरेश सारंगम ने भी सिनेमेटोग्राफी में काम किया हुआ था इसके अलावा फिल्म की जो एडिटिंग है वो की हुई कार्तिका श्रीनिवास ने कार्तिका श्रीनिवास ने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया है लेकिन जब इस फिल्म को ओ टी प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर फिल्म सिर्फ दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ प्रीमियर हुई थी इसका मतलब कि दो तीन मिनट का जो डिफरेंस है वो आपको डेफिनेटली ओ रिलीज में देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म के जो सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेशन मिला था वो था यू ए जहां पे तेरह साल और उससे बड़े बच्चे अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकते हैं ये फैमिली फैमिली फ्रेंडली फिल्म ही कह सकते हैं। इस इसमें ऐसा कोई न्यूडिटी वलगरिटी वाले से चीज़ें नहीं डाली हुई थी तो डेफिनेटली ये फिल्म फैमिली ऑडियंस भी इंजॉय कर सकती है अब बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस की तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था क्लेप एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने लो मीडियम बजट में इस फिल्म को बनाया था वहीं पे इस फिल्म को प्रेजेंट और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था मैथ्री मूवी मेकर्स वालों ने जहाँ पे मैथ्री मूवी मेकर्स वालों ने इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज करवाया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो म्यूज़िक के राइट्स साई कार्तिक ने सॉरी म्यूज़िक कंपोजिशन साई कार्तिक ने की हुई थी सोनी तो म्यूजिक इंडिया वालों ने राइट्स खरीदे थे फिल्म में सिर्फ तीन गाने थे वैसे फ़िल्म का रन टाइम भी करीब थे करीबन दो घंटे के आसपास का ही रन टाइम था तो उस हिसाब से चीज़ें काफ़ी शॉर्ट और फास्ट वे में रखी हुई थी स्क्रीन प्ले में चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड वे में दिखाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे जिन्होंने अर्जुन कल्याण का रोल प्ले किया हुआ है उनका यंग वर्जन था वो मास्टर रोशन ने प्ले किया हुआ था तुल्या रवि जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी जो अर्जुन के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी आपको धनुष पवन ने इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम बाई रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है सब तक ये इस फिल्म में अर्जुन के अंकल का रोल प्ले करते नजर आएंगे पोसानी कृष्णा मुरली ने कमिश्नर पीर कृष्णा मुरारी का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा को इस फिल्म में डीजीपी दिलीप रावत का रोल दिया गया था सूर्या ने भरानी का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो बिफोर सर्जरी वाला था वो कौन इसमें डाला हुआ है है आफ्टर सर्जरी जो अर्जुन के के गर्लफ्रेंड फादर का रोल वो गौतम राजू ने प्ले किया हुआ है तग्गू बोतू रमेश इस फिल्म में ड्रंकार्ड के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा वामसी ने इस फिल्म में एस आई वेंकट रत्नम का रोल प्ले किया है जो अर्जुन के फादर का रोल है कल्पलता इस फिल्म में अर्जुन की माँ का रोल प्ले

बाईस तेईस में तेलुगु वर्जन में क्रिएट किया गया था जहां पर सोनी म्यूजिक इंडिया के अंडर इस फिल्म को ब, लेबल करा गया था यानी कि सोनी म्यूजिक वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म का पहला गाना चमक चमक पोरी उसको गाया हुआ था अरुण कोंदलिया और एम एल गायत्री ने जिसको सोनी म्यूजिक के द्वारा 15 मार्च 2023 को रिलीज करवाया गया था ओ बेबी जारी पोक मांग के करके जो गाना था उसको धनंजय ने गाया हुआ था उसको 21 मार्च 2023 को रिलीज करवाया गया था सोनी म्यूजिक के द्वारा मीटर टाइटल टाइटल सॉन्ग था 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 जो जो ट्रैक उसको कार्तिक ने गाया हुआ था जो इस फिल्म के द्वारा तो, 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 तो फिलहाल में, तो में सभी गाने आपको सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है वो अर्जुन कल्याण जो किरण अब्बावरम है उससे इस इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहता अपने पापा की तरह लेकिन उसके सामने कुछ सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हुए लेकिन वो वही सब चीज़ों के चलते वो किसी तरह से एक सब इंस्पेक्टर बन जाता हैदराबाद में और वो किसी तरह से इस जॉब को छोड़ना चाहते इस वजह से वो खुद को सस्पेंड करवाने के पीछे तुला हुआ है कहीं ऐसी कोशिशें करता है लेकिन धीरे धीरे ये सभी चीज़ें करने के चलते वो बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जहाँ पे वो उसकी जो रेपूटेशन है और बेहतर हो जाती है एज़ सब इंस्पेक्टर के तौर पे जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे वो खुद को एक क्रॉसिंग पाथ करते समय होम मिनिस्टर का कंतम भाई रेड्डी जो रोल प्ले करे धनुष पवन उसके साथ कुछ चीज़ें उसकी होती है जहाँ पे लेटर ऑन अर्जुन को सभी चीज़ें पता चलती है उसके पीछे का एक कुछ सच पता चलता है वो सच क्या है अर्जुन अब आगे क्या करेगा वही सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के साथ किरण अब्बावरम जो इस देखा जाए पहली बार पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे वो आउट एंड आउट एक एक्शन रोल में पहली बार देखने को मिले थे इस फिल्म में उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनका एज अ पुलिस ऑफिसर जो एटीट्यूड था वो देखने में आपको पसंद आएगा इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है कि वो अच्छे एक्टर तो है ही लेकिन साथ में अच्छे डांसर भी है जिस तरह से मास सॉन्ग्स के ऊपर उनका जो स्टेप देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने प्री क्लाइमेक्स में जो चीज़ें क्रिएट की हुई थी जो फैंस को डेफिनेटली पसंद आएगी धनुष पवन जो इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम बाई रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उनका काम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आता है किरण अब्बावरम और धनुष पवन इन दोनों के बीच में कुछ फेस ऑफ सीन्स भी रखे हुए हैं उस सीन्स को डायरेक्टर ने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है जहाँ पे ये जिस तरह से धनुष पवन विलन का रोल प्ले कर रहे थे वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट देते हुए नज़र आते पोसानी कृष्णा मुरली और सप्तगिरी इस फिल्म में उनको बड़े रोल मिले हुए थे जहाँ पे अपने इस रोल के साथ वो काफ़ी एंटरटेनिंग नज़र आ रहे थे डेफिनेटली अपने जो पंच डायलॉग्स थे वो थ्रू आउट द फिल्म जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं वो आपको एंटरटेन करते हैं इसके अलावा बाकी के सभी एक्टर्स है वो फिल्म के साथ जस्ट ओके काम करते हुए नजर आते इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो अच्छा था उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश भी किया था जिस तरह से किरण अब्बावरम को एक मास हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा था जिस तरह से स्टोरी में सभी चीज़ें दिखाई जा रही थी स्टोरी अच्छी थी एंगेजिंग थी साथ ही में एंटरटेनिंग थी लेकिन जिस तरह से उसके स्क्रिप्टिंग की हुई है जिस तरह से काफ़ी सारी पुरानी फिल्मों को उठा के इस फिल्म में सभी चीज़ों को मिक्स किया हुआ है वो सभी चीज़ें देखी दिखाई नजर आती है जिस वजह से जो फ्रेश स्टोरी आइडिया लगने की जो एक संभावना थी वो जिस तरह से कहानी को डेवलप किया गया है जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है कम्प्लीटली वो रूटीन और इम प्रॉपर इन लॉजिकल स्क्रीन प्ले नज़र आता है कुछ सीन्स में तो कम्प्लीटली ओवर दी टॉप इन लॉजिकल चीज़ें आपको इतनी देखने को मिल जाती है जो कन्विंस नहीं हो पाती है हीरोइन में आपको अतुल्य रवि देखने को मिलती है उनको बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया गया है जहाँ पे कुछ गानों में वो फीचर होती है इसके अलावा एक दो सीन्स में देखने को मिलती है उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो स्टोरी में कुछ अपना इनपुट दे पाए रोल इतना छोटा था स्टोरी में अगर वो रोल ना भी रखते तो भी उतना कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं था इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है रमेश कडूरी ने जिनका एज अ डरेक्टर के तौर पर डेब्यू था उनका जो स्टोरी आइडिया था वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग था स्क्रीन प्ले था वो इस फिल्म का जो था वो भी अच्छा था लेकिन and अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वो नयापन आना चाहिए था फिल्म में देखने के देखते समय जो इन्जॉयमेंट मिलनी चाहिए थी वो उतनी नहीं मिल पाती है डायरेक्टर इस फिल्म में स्क्रीन प्ले के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते स्टोरी को बेहतर वे में डेवलप करते तो हो सकता था चीज़ें काफ़ी उम्मीद से बेहतर हो सकती थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में साई कार्तिक ने अच्छा काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों अच्छे थे मास मोमेंट में जिस तरह से एक्शन सीन्स है वहाँ पे भी बीजेम अच्छा बचता है इसके अलावा सिनेमेटोग्राफिक काफ़ी बढ़िया है चीज़ों को बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया है क्रिस्प तरीके से की गई है हाँ कुछ जगह पे फिल्म की एडिटिंग में और क्रिस्पनेस हो सकती थी करीबन ये फिल्म दो घंटे पाँच दस मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ रिलीज़ हुई है तो आ, आसानी से इस फिल्म को एक घंटे पचपन मिनट के आसपास का रन टाइम मिल सकता था दस मिनट जितनी और क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी नीट नज़र आती है ऑन दी होल मीटर एक मेडियोकर पुलिस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे चीज़ें बोरिंग है अनइम्प्रेसिव है रूटीन और प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने डिलीवर किया है वो पूरी तरह से रूटीन नजर आता है प्रिडिक्टेबल नज़र आता है हाँ किरण अब्बावरम आउट एंड आउट एक्शन मास रोल में पहली बार देखने को मिले तो उनको देखने के लिए आप इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकते हो अदरवाइज कोई नयापन आपको ऑफर नहीं होगा मीटर फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे सात अप्रैल दो इस को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म को बताया गया था कि ये बोरिंग है अनइम्प्रेसिव है ऐसा कुछ क्रिटिक्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिला था और आई एम डी पे इस फिल्म ने तीन सौ छियासी वोट हासिल किए उसके बाद में जिसमें तीन पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से जो रेटिंग काफ़ी डाउन मानी जाती है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वैसे इस फिल्म के जो तेलुगु ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के जो राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल वारों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे हिंदी सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड के पास थे तो उन्होंने इस फिल्म को मीटर नाम से ही डब करवाया हुआ है फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु वर्जन में नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन मीटर नाम के साथ देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्ज़न है जब कभी भी आपको ऑफिशियली ओ टी टी पे देखने को मिलेगा तो वो देखने को मिलेगा यूट्यूब चैनल श्री इंटरनेशनल के ऊपर वहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में मीटर नाम से प्रीमियर करवाया जाएगा इसके अलावा इस फिल्म को जेमिनी टी के ऊपर तेलुगु वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए न देख सकते हो हिंदी डब वर्ज़न है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ हिंदी में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मीटर फिल्म को अगर फिलहाल मैं आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु वर्जन में नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन ही अवेलेबल है वहीं पर हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको श्री इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले समय में बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में मीटर नाम के साथ विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगा इसके सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो जेमिनी टीवी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो ठीक उसी तरह स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड टू जैसी चैनल्स के ऊपर मीटर का जो हिंदी डब वर्जन है वो भी आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से मीटर फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में एंजॉय कर पाओगे मीटर जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें बिल्कुल रोमांस को भी थोड़ा तड़का दिया हुआ है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज में सोल्वर रिलीज मतलब कि तेलुगु वर्जन में ही रिलीज़ की गई थी तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसे वर्जनस में रिलीज़ नहीं की हुई थी फ़िल्म को अब बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म का स्टोरी आइडिया था वो था रमेश सूर्या का जिसके ऊपर उन्होंने स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे और इस फिल्म की कहानी को रमेश कडूरी ने डायरेक्ट किया हुआ था या तो रमेश और सूर्य ये दोनों ने मिलकर स्क्रिप्टिंग डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें तैयार की उसके बाद में रमोज रमेश कडूरी जो इस फिल्म के राइटर भी थे तो उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के साथ काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी था कॉन्सेप्ट था वो एक डिसेंट कॉन्सेप्ट था इस फिल्म के लीड रोल में किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे अतुल्या रवि उनके अपोजिट कास्ट की गई है इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी वेंकट दिलीप चुंदूरदोर ने की हुई है सुरेश सारंगम ने भी सिनेमेटोग्राफी में काम किया हुआ था इसके अलावा फिल्म की जो एडिटिंग है वो किए हुई है कार्तिका श्रीनिवास ने कार्तिका श्रीनिवास ने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया है लेकिन जब इस फिल्म को ओ टी पे प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर फिल्म सिर्फ दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ प्रीमियर हुई थी इसका मतलब कि दो तीन मिनट का जो डिफरेंस है वो आपको डेफिनेटली ओ रिलीज में देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म के जो सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेशन मिला था वो था यू ए जहाँ पे तेरह साल और उससे बड़े बच्चे अपने पेरेंट्स के परमिशन के साथ इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकते हैं ये फैमिली फैमिली फे, फ्रेंडली फिल्म ही कह सकते इसमें ऐसा कोई न्यूडिटी वलगरिटी वाले से चीज़ें नहीं डाली हुई थी तो डेफिनेटली ये फिल्म फैमिली ऑडियंस भी इन्जॉय कर सकती है अब बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस की तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था क्लेप एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने लो मीडियम बजट में इस फिल्म को बनाया था वहीं पे इस फिल्म को प्रेजेंट और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था मैथ्री मूवी मेकर्स वालों ने जहाँ पे मैथ्री मूवी मेकर्स वालों ने इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज़ करवाया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो म्यूजिक के राइट साई कार्तिक ने सॉरी म्यूजिक कंपोजिशन साई कार्तिक ने की हुई थी सोनी तो म्यूजिक इंडिया वालों ने राइट्स खरीदे थे फिल्म में सिर्फ तीन गाने थे वैसे फिल्म का रन टाइम भी करीब थे करीबन दो घंटे के आसपास का ही रन टाइम था तो उस हिसाब से चीज़ें काफ़ी शॉर्ट और फास्ट वे में रखी हुई थी स्क्रीन प्ले में चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड वे में दिखाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे जिन्होंने अर्जुन कल्याण का रोल प्ले किया हुआ है उनका यंग वर्जन था वो मास्टर रोशन ने प्ले किया हुआ था तुलिया रवि जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी जो अर्जुन के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी आपको धनुष पवन ने इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम भाई रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है सब सप्तगी इस फिल्म में अर्जुन के अंकल का रोल प्ले करते नजर आएंगे पोसानी कृष्णा मुरली ने कमिश्नर पीर कृष्णा मुरारी का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा को इस फिल्म डीजीपी दिलीप रावत का रोल दिया गया था सूर्या ने भरानी का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो बिफोर सर्जरी वाला था वो कॉन्सेप्ट सर्जरी जो अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल है वो गौतम राजू ने प्ले किया हुआ है तग्गु बोतू रमेश इस फिल्म में ड्रंकार्ड के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा वामसी ने इस फिल्म में आई वेंकट रत्नम का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के फादर का रोल है कल्पलता इस फिल्म में अर्जुन की मां का रोल नजर आएगी समेता गांधी ने इस फिल्म में अर्जुन के ग्रैंड का रोल प्ले किया हुआ है प्रसाद ने इस फिल्म में डीजीपी ठाकुर शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा केशव दीपक ने डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं रोहिणी आपको नून के रोल में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो साई कार्तिक के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए गए थे फिल्म में टोटल तीन गाने थे सभी गानों के लिरिक्स थे और बालाजी ने लिखे हुए थे इन गानों को दो हजार में तेलुगु वर्जन में क्रिएट किया गया था जहाँ पे सोनी म्यूजिक इंडिया के अंडर इस फिल्म को लेबल करा गया था यानी कि सोनी म्यूज़िक वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म का पहला गाना चमक चमक पोरी उसको गाया हुआ था अरुण कोंदलिया और एम एल गायत्री ने जिसको सोनी म्यूजिक के द्वारा 15 मार्च 2023 को रिलीज करवाया गया था ओ बेबी के करके जो गाना था उसको धनंजय ने गाया हुआ था उसको 21 मार्च 2023 को रिलीज करवाया गया था सोनी म्यूजिक के द्वारा मीटर टाइटल सॉन्ग था जो टाइटल ट्रैक था उसको साई कार्तिक ने गाया हुआ था जो इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर भी थे जिन्होंने इस गाने को सोनी म्यूजिक चार अप्रैल दो हजार तेईस को रिलीज किया तो, तो, तो टोटल ये तीन गाने फिलहाल में सभी रिलीज करवा दिए गए सोनी म्यूजिक के द्वारा तो फिलहाल ये सभी गाने आपको Sony Music South के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है वो अर्जुन कल्याण जो किरण अबावरम है उससे इस इर्द-गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे वो और पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहता अपने पापा की तरह लेकिन उसके सामने कुछ सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हुए लेकिन वो वही सब चीज़ों के चलते वो किसी तरह से एक सब इंस्पेक्टर बन जाता है हैदराबाद में और वो किसी तरह से इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं इस वजह से वो खुद को सस्पेंड करवाने के पीछे तुला हुआ है कहीं ऐसी कोशिशें करता है लेकिन धीरे धीरे ये सभी चीज़ें करने के चलते वो बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जहाँ पे वो उसकी जो रेप्यूटेशन है और बेहतर हो जाती है एज़ सब इंस्पेक्टर के तौर पर जहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे वो खुद को एक क्रॉसिंग पाथ करते समय होम मिनिस्टर का कंतम भाई रेड्डी जो रोल प्ले करे धनुष पवन उसके साथ कुछ चीज़ें उसकी होती है जहाँ पे लेटर ऑन अर्जुन को सभी चीज़ें पता चलती है उसके पीछे का एक कुछ सच पता चलता है वो सच क्या है अर्जुन अब आगे क्या करेगा वही सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के साथ किरण अब्बावरम जो इस देखा जाए पहली बार पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे वो आउट एंड आउट एक एक्शन रोल में पहली बार देखने को मिले थे इस फिल्म में उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनका एज अ पुलिस ऑफिसर जो एटीट्यूड था वो देखने में आपको पसंद आएगा इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है कि वो अच्छे एक्टर तो है ही लेकिन साथ में अच्छे डांसर भी है जिस तरह से मास सॉन्ग्स के ऊपर उनका जो स्टेप देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने प्री क्लाइमेक्स में जो चीज़ें क्रिएट की हुई थी जो फैंस को डेफिनेटली पसंद आएगी धनुष पवन जो इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम बाई रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उनका काम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आता है किरण अब्बावरम और धनुष पवन इन दोनों के बीच में कुछ फेस ऑफ सीन्स भी रखे हुए हैं उस सीन्स को डायरेक्टर ने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है जहाँ पे ये जिस तरह से धनुष पवन विलन का रोल प्ले कर रहे थे वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट देते हुए नज़र आते पोसानी कृष्णा मुरली और सप्तगिरी इस फिल्म में उनको बड़े रोल मिले हुए थे जहाँ पे अपने इस रोल के साथ वो काफ़ी एंटरटेनिंग नज़र आ रहे थे डेफिनेटली अपने जो पंच डायलॉग थे वो थ्रू आउट द फिल्म जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं वो आपको एंटरटेन करते हैं इसके अलावा बाकी के सभी एक्टर्स है वो फिल्म के साथ जस्ट ओके काम करते हुए नज़र आते इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो अच्छा था उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश भी किया था जिस तरह से किरण अब्बावरम का एक मास हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा था जिस तरह से स्टोरी में सभी चीज़ें दिखाई जा रही थी स्टोरी अच्छी थी एंगेजिंग थी साथ ही में एंटरटेनिंग थी लेकिन जिस तरह से उसके स्क्रिप्टिंग की हुई है जिस तरह से काफ़ी सारे पुराने फिल्मों को उठा के इस फिल्म में सभी चीज़ों को मिक्स किया हुआ है वो सभी चीज़ें देखी दिखाई नजर आती है जिस वजह से जो फ्रेश स्टोरी आइडिया लगने की जो एक संभावना थी वो जिस तरह से कहानी को डेवलप किया गया है जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है कम्प्लीटली वो रूटीन और इम्प्रॉपर इन लॉजिकल स्क्रीन प्ले नज़र आता है कुछ सीन्स में तो कम्प्लीटली ओवर द टॉप इन लॉजिकल चीज़ें आपको इतनी देखने को मिल जाती है जो कन्विंस नहीं हो पाती है हीरोइन में आपको अतुल्या रवि देखने को मिलती है उनको बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया गया है जहाँ पे कुछ गानों में वो फीचर होती है इसके अलावा एक दो सीन्स में देखने को मिलती है उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो स्टोरी में कुछ अपना इनपुट दे पाए रोल इतना छोटा था स्टोरी में अगर वो रोल ना भी रखते तो भी उतना कुछ खास फर्क करने वाला नहीं था इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है रमेश कडूरी ने जिनका एज अ डिरेक्टर के तौर पर डेब्यू था उनका जो स्टोरी आइडिया था वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग था स्क्रीन प्ले था वो इस फिल्म का जो था वो भी अच्छा था लेकिन

अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वो नयापन आना चाहिए था फिल्म में देखने के देखते समय जो इन्जॉयमेंट मिलनी चाहिए थी वो उतनी नहीं मिल पाती है डायरेक्टर इस फिल्म में स्क्रीन प्ले के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करते स्टोरी को बेहतर वे में डेवलप करते तो हो सकता था चीज़ें काफ़ी उम्मीद से बेहतर हो सकती थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में साई कार्तिक ने अच्छा काम किया हुआ है जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों अच्छे थे मास मोमेंट में जिस तरह से एक्शन सीन्स है वहाँ पर भी बीजेम अच्छा बचता है इसके अलावा सिनेमेटोग्राफिक काफ़ी बढ़िया है चीज़ों को बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया है क्रिस्प तरीके से की गई है हाँ कुछ जगह पे फिल्म की एडिटिंग में और क्रिस्पनेस हो सकती थी करीबन ये फिल्म दो घंटे पाँच दस मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ रिलीज हुई है तो आ, आसानी से इस फिल्म को एक घंटे पचपन मिनट के आसपास का रन टाइम मिल सकता था दस मिनट जितनी और क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी नीट नज़र आती है ऑन दी होल मीटर एक मेडियोकर पुलिस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे चीज़ें बोरिंग है अनइंप्रेसिव है रूटीन और प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने डिलीवर किया है वो पूरी तरह से रूटीन नजर आता है प्रेडिक्टेबल नजर आता है हाँ किरण अब्बावरम आउट एंड आउट एक्शन मास रोल में पहली बार देखने को मिले तो उनको देखने के लिए आप इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकते हो अदरवाइज कोई नयापन आपको ऑफर नहीं होगा मीटर फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे सात अप्रैल दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म को बताया गया था कि बोरिंग है अनइम्प्रेसिव है ऐसा कुछ क्रिटिक्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिला था और आई पेज इस फिल्म ने तीन वोट हासिल किए उसके बाद में जिसमें तीन पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से जो रेटिंग काफ़ी डाउन मानी जाती है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वैसे इस फिल्म के जो तेलुगू ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के जो राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल वारो ने खरीदे हुए थे जहाँ पे हिंदी सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड के पास थे तो उन्होंने इस फिल्म को मिट्टर नाम से ही डब करवाया हुआ है फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु वर्जन में नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन मिट्टर नाम के साथ देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है जब कभी भी आपको ऑफिशियली ओ पे देखने को मिलेगा तो वो देखने को मिलेगा यूट्यूब चैनल श्री इंटरनेशनल के ऊपर वहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में मीटर नाम से प्रीमियर करवाया जाएगा इसके अलावा इस फिल्म को जेमिनी टीवी के ऊपर तेलुगु वर्ज़न में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए न देख

इसके सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो जेमिनी टीवी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ प्रीमियर होते हुए हो, देख सकते हो ठीक उसी तरह स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड टू जैसी चैनल्स के ऊपर मीटर का जो हिंदी डब वर्जन है वो भी आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से मीटर फिल्म आप ऑफिशियली ओटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे मीटर जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें बिल्कुल रोमांस को भी थोड़ा तड़का दिया हुआ है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज में सोलो रिलीज मतलब कि तेलुगु वर्जन में ही रिलीज़ की गई थी तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसे वर्जनस में रिलीज़ नहीं की हुई थी फिल्म को अब बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म का स्टोरी आइडिया था वो था रमेश सूर्या का जिसके ऊपर उन्होंने स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे और इस फिल्म की कहानी को रमेश कडोरी ने डायरेक्ट किया हुआ था तो रमेश और सूर्य ये दोनों ने मिलकर स्क्रिप्टिंग डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें तैयार की उसके बाद में रमोज रमेश कडोरी जो इस फिल्म के राइटर भी थे तो उन्होंने इस फिल्म को डेक्ट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के साथ काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी था कॉन्सेप्ट था वो एक डिसेंट कॉन्सेप्ट था इस फिल्म के लीड रोल में किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे अतुल्या रवि उनके अपोजिट कास्ट की गई है इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी वेंकट दिलीप चुंदूरदूर ने की हुई है सुरेश सारंगम ने भी सिनेमेटोग्राफी में काम किया हुआ था इसके अलावा फिल्म की जो एडिटिंग है वो किए हुए कार्तिका श्रीनिवास ने कार्तिका श्रीनिवास ने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया है लेकिन जब इस फिल्म को ओ टी प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर फिल्म सिर्फ दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ प्रीमियर हुई थी इसका मतलब कि दो तीन मिनट का जो डिफरेंस है वो आपको डेफिनेटली ओटीटी रिलीज़ में देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म के जो सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेशन मिला था वो था यू जहाँ पे तेरह साल और उससे बड़े बच्चे अपने पेरेंट्स के परमिशन के साथ इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकते हैं ये फैमिली फैमिली फ्रेंडली फिल्म ही कह सकते हैं इस इसमें ऐसा कोई न्यूडिटी वलगरिटी वाले से चीज़ें नहीं डाली हुई थी तो डेफिनेटली ये फिल्म फैमिली ऑडियंस भी इन्जॉय कर सकती है अब बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस की तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था क्लेप एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने लो मीडियम बजट में इस फिल्म को बनाया था वहीं पे इस फिल्म को प्रेजेंट और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था मैत्री मूवी मेकर्स वालों ने जहाँ पे मैत्री मूवी मेकर्स वालों ने इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज करवाया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो म्यूजिक के राइट साई कार्तिक ने सॉरी म्यूज़िक कंपोजिशन साई कार्तिक ने की हुई थी सोनी तो म्यूज़िक इंडिया वालों ने राइट्स खरीदे थे फिल्म में सिर्फ तीन गाने थे वैसे फिल्म का रन टाइम भी करीब थे करीबन दो घंटे के आसपास का ही रन टाइम था तो उस हिसाब से चीज़ें काफ़ी शॉर्ट और फास्ट वे में रखी हुई थी स्क्रीन प्ले में चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड वे में दिखाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे जिन्होंने अर्जुन कल्याण का रोल प्ले किया हुआ है उनका यंग वर्जन था वो मास्टर रोशन ने प्ले किया हुआ था तुल्या रवि जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी जो अर्जुन के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी आपको धनुष पवन ने इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम भाई रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है सब तक ये इस फिल्म में अर्जुन के अंकल का रोल प्ले करते नजर आएंगे पोषानी कृष्णा मुरली ने कमिश्नर पी कृष्णा मुरारी का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा को इस फिल्म डीजीपी दिलीप रावत का रोल दिया गया था सूर्या ने भरानी का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो बिफोर सर्जरी वाला था वो कॉन्सेप्ट इसमें डाला हुआ है आफ्टर सर्जरी जो अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल है वो गौतम राजू ने प्ले किया हुआ है तग्गु बोतू रमेश इस फिल्म में ड्रंकार्ड के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा वामसी ने कत्ती इस फिल्म में एस आई वेंकटा रत्नम का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के फादर का रोल है कल्पलता इस फिल्म में अर्जुन की माँ का रोल प्ले करती हुई नज़र आएगी समेता गांधी ने इस फिल्म में अर्जुन के ग्रैंड का रोल प्ले किया हुआ है देवी प्रसाद ने इस फिल्म में डी ठाकुर शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा केशव दीपक ने डॉक्टर का रोल प्ले वहीं पे रोहिणी आपको नून के रोल में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो साय कार्तिक के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए गए थे फिल्म में टोटल तीन गाने थे सभी गानों के लिरिक्स थे वो बालाजी ने लिखे हुए थे इन गानों को दो हजार में तेलुगु वर्जन में क्रिएट किया गया था जहां पे सोनी म्यूजिक इंडिया के अंडर इस फिल्म को लेबल करा गया था यानी कि सोनी म्यूजिक वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म का पहला गाना छमक छमक पोरी उसको गाया हुआ था अरुण कोंदलिया और एम एल गायत्री ने जिसको सोनी म्यूजिक के द्वारा 15 मार्च 2023 को रिलीज करवाया गया था ओ बेबी झारी पोक माँ के करके जो गाना था उसको धनंजय ने गाया हुआ था उसको 21 मार्च 2023 को रिलीज करवाया गया था सोनी म्यूजिक के द्वारा मीटर टाइटल सॉन्ग था जो टाइटल ट्रैक था उसको साई कार्तिक ने गाया हुआ था जो इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर भी थे जिन्होंने इस गाने को सोनी म्यूजिक वालों ने चार अप्रैल दो को रिलीज़ किया तो टोटल ये तीन गाँव फिलहाल में सभी रिलीज करवा दिए गए सोनी म्यूजिक के द्वारा तो फिलहाल में ये सभी गाने आपको सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है वो अर्जुन कल्याण जो किरण अब्बावर हमें उससे इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे वो और पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहता अपने पापा की तरह लेकिन उसके सामने कुछ सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हुए लेकिन वो वही सब चीज़ों के चलते वो किसी तरह से एक सब इंस्पेक्टर बन जाता है हैदराबाद में और वो किसी तरह से इस जॉब को छोड़ना चाहता है इस वजह से वो खुद को सस्पेंड करवाने के पीछे तूला हुआ है कहीं ऐसी कोशिशें करता है लेकिन धीरे धीरे ये सभी चीज़ें करने के चलते वो बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, है जहाँ पे वो उसकी जो रेप्यूटेशन है और बेहतर हो जाती है एज सब इंस्पेक्टर के तौर पे जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे वो खुद को एक क्रॉसिंग पाथ करते समय होम मिनिस्टर कंतम भाई रेड्डी जो रोल प्ले करे धनुष पवन उसके साथ कुछ चीज़ें उसकी होती है जहाँ पे लेटर ऑन अर्जुन को सभी चीज़ें पता चलती है उसके पीछे का एक कुछ सच पता चलता है वो सच क्या है अर्जुन अब आगे क्या करेगा वही सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के साथ किरण अब्बावरम जो इस देखा जाए पहली बार पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे वो आउट एंड आउट एक एक्शन रोल में पहली बार देखने को मिले थे इस फिल्म में उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनका एज अ पुलिस ऑफिसर जो एटीट्यूड था वो देखने में आपको पसंद आएगा इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है कि वो अच्छे एक्टर तो है ही लेकिन साथ में अच्छे डांसर भी है जिस तरह से मास सॉन्ग्स के ऊपर उनका जो स्टेप देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने प्री क्लाइमेक्स में जो चीज़ें क्रिएट की हुई थी जो फैंस को डेफिनेटली पसंद आएगी धनुष पवन जो इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम बाई रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उनका काम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आता है किरण अब्बावरम और धनुष पवन इन दोनों के बीच में कुछ फेस ऑफ सीन्स भी रखे हुए हैं उस सीन्स को डायरेक्टर ने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है जहाँ पे ये जिस तरह से धनुष पवन विलन का रोल प्ले कर रहे थे वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं पोसानी कृष्णा मुरली और सप्तगिरी इस फिल्म में उनको बड़े रोल मिले हुए थे जहाँ पे अपने इस रोल के साथ वो काफ़ी एंटरटेनिंग नज़र आ रहे थे डेफिनेटली अपने जो पंच डायलॉग थे वो थ्रू आउट द फिल्म जिस तरह से वो डिलीवर करते वो आपको एंटरटेन करते हैं इसके अलावा बाकी के सभी एक्टर्स है वो फिल्म के साथ जस्ट ओके काम करते हुए नज़र आते इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो अच्छा था उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश भी किया था जिस तरह से किरण अब्बावरम को एक मास हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा था जिस तरह से स्टोरी में सभी चीज़ें दिखाई जा रही थी स्टोरी अच्छी थी एंगेजिंग थी साथ ही में एंटरटेनिंग थी लेकिन जिस तरह से उसके स्क्रिप्टिंग की हुई है जिस तरह से काफ़ी सारे पुरानी फिल्मों को उठा के इस फिल्म में सभी चीज़ों को मिक्स किया हुआ है वो सभी चीज़ें देखी दिखाई नजर आती है जिस वजह से जो फ्रेश स्टोरी आइडिया लगने की जो एक संभावना थी वो जिस तरह से कहानी को डेवलप किया गया है जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है कम्प्लीटली वो रूटीन और इम्प्रॉपर इन लॉजिकल स्क्रीन प्ले नज़र आता है कुछ सीन्स में तो कम्प्लीटली ओवर दी टॉप इन लॉजिकल चीज़ें आपको इतनी देखने को मिल जाती है जो कन्विंस नहीं हो पाती है हीरोइन में आपको अतुल्य रवि देखने को मिलती है उनको बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया गया है जहाँ पे कुछ गानों में वो फीचर होती है इसके अलावा एक दो सीन्स में देखने को मिलती है उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो इस स्टोरी में कुछ अपना इनपुट दे पाए रोल इतना छोटा था स्टोरी में अगर वो रोल ना भी रखते तो भी उतना कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं था इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है रमेश कडूरी ने जिनका एज अ डिरेक्टर के तौर पर डेब्यू था उनका जो स्टोरी आइडिया था वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग था स्क्रीन प्ले था वो इस फिल्म का जो था वो भी अच्छा था लेकिन 边呢 अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वो नयापन आना चाहिए था फिल्म में देखने के देखते समय जो इन्जॉयमेंट मिलनी चाहिए थी वो उतनी नहीं मिल पाती है डायरेक्टर इस फिल्म में स्क्रीन प्ले के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते स्टोरी को बेहतर वे में डेवलप करते तो हो सकता था चीज़ें काफ़ी उम्मीद से बेहतर हो सकती थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में साई कार्तिक ने अच्छा काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों अच्छे थे मास मोमेंट में जिस तरह से एक्शन सीन्स हैं वहाँ पे भी बीजेम अच्छा बचता है इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है चीज़ों को बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया है क्रिस्प तरीके से की गई है हाँ कुछ जगह पर फिल्म की एडिटिंग में और क्रिस्पनेस हो सकती थी करीबन ये फिल्म दो घंटे पाँच दस मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ रिलीज हुई है तो आ, आसानी से इस फिल्म को एक घंटे पचपन मिनट के आसपास का रन टाइम मिल सकता था दस मिनट जितनी और क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी नीट नज़र आती है ऑन दी होल मीटर एक मेडियोकर पुलिस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे चीज़ें बोरिंग है अनइम्प्रेसिव है रूटीन और प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने डिलीवर किया है वो पूरी तरह से रूटीन नजर आता है प्रिडिक्टेबल नज़र आता है हाँ किरण हम आउट एंड आउट एक्शन मास रोल में पहली बार देखने को मिले तो उनको देखने के लिए आप इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकते हो अदरवाइज कोई नयापन आपको ऑफर नहीं होगा मीटर फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे सात अप्रैल दो इस को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म को बताया गया था कि ये बोरिंग है अनइम्प्रेसिव है ऐसा कुछ क्रिटिक्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिला था और आई एम डी पे इस फिल्म ने तीन सौ छियासी वोट हासिल किए उसके बाद में जिसमें तीन पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से जो रेटिंग काफ़ी डाउन मानी जाती है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वैसे इस फिल्म के जो तेलुगु ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के जो राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल वारों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे हिंदी सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड के पास थे तो उन्होंने इस फिल्म को मीटर नाम से ही डब करवाया हुआ है फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलगू वर्जन में नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मीटर नाम के साथ देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्ज़न है जब कभी भी आपको ऑफिशियली ओ पे देखने को मिलेगा तो वो देखने को मिलेगा यूट्यूब चैनल श्री इंटरनेशनल के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में मीटर नाम से प्रीमियर करवाया जाएगा इसके अलावा इस फिल्म को जेमिनी टी के ऊपर तेलुगु वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो हिंदी डब वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ हिंदी में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि मीटर फिल्म को अगर फिलहाल मैं आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु वर्जन में नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो जहां पे इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन ही अवेलेबल है त्या वहीं पर हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको श्री इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले समय में बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में मीटर नाम के साथ विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगा इसके सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो जेमिनी टीवी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो ठीक उसी तरह स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड टू जैसी चैनल्स के ऊपर मीटर का जो हिंदी डब वर्जन है वो भी आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से मीटर फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे मीटर जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें बिल्कुल रोमांस को भी थोड़ा तड़का दिया हुआ है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज में सोलो रिलीज मतलब कि तेलुगु वर्जन में ही रिलीज़ की गई थी तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसे वर्जनस में रिलीज़ नहीं की हुई थी फ़िल्म को अब बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म का स्टोरी आइडिया था वो था रमेश सूर्या का जिसके ऊपर उन्होंने स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे और इस फिल्म की कहानी को रमेश कडूरी ने डायरेक्ट किया हुआ था या तो रमेश और सूर्य ये दोनों ने मिलकर स्क्रिप्टिंग डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें तैयार की उसके बाद में रमोज रमेश कडूरी जो इस फिल्म के राइटर भी थे तो उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के साथ काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी था कॉन्सेप्ट था वो एक डिसेंट कॉन्सेप्ट था इस फिल्म के लीड रोल में किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे अतुल्या रवि उनके अपोजिट कास्ट की गई है इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी वेंकट दिलीप चुंदूरदोर ने की हुई है सुरेश सारंगम ने भी सिनेमेटोग्राफी में काम किया हुआ था इसके अलावा फिल्म की जो एडिटिंग है वो की हुई कार्तिका श्रीनिवास ने कार्तिका श्रीनिवास ने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया है लेकिन जब इस फिल्म को ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर फिल्म सिर्फ दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ प्रीमियर हुई थी इसका मतलब कि दो तीन मिनट का जो डिफरेंस है वो आपको डेफिनेटली ओ रिलीज में देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म के जो सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेशन मिला था वो था यूए इसमें को फे, इस ऐसा कोई न्यूडिटी वलगरिटी वाले से चीजें नहीं डाली हुई थी तो डेफिनेटली ये फिल्म फैमिली ऑडियंस भी इंजॉय कर सकती है अब बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस की तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था क्लेप एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने लो मीडियम बजट में इस फिल्म को बनाया था वहीं पे इस फिल्म को प्रेजेंट और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था मैथ्री मूवी मेकर्स वालों ने जहाँ पे मैथ्री मूवी मेकर्स वालों ने इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज करवाया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो म्यूज़िक के राइट साई कार्तिक ने सॉरी म्यूजिक कंपोजिशन साई कार्तिक ने की हुई थी सोनी तो म्यूजिक इंडिया वालों ने राइट्स खरीदे थे फिल्म में सिर्फ तीन गाने थे वैसे फिल्म का रन टाइम भी करीब थे करीबन दो घंटे के आसपास का ही रन टाइम था तो उस हिसाब से चीज़ें काफ़ी शॉर्ट और फास्ट वे में रखी हुई थी स्क्रीन प्ले में चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड वे में दिखाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे जिन्होंने अर्जुन कल्याण का रोल प्ले किया हुआ है उनका यंग वर्जन था वो मास्टर रोशन ने प्ले किया हुआ था तुल्या रवि जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी जो अर्जुन के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी आपको धनुष पवन ने इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम भाई रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है सब सप्तगी इस फिल्म में अर्जुन के अंकल का रोल प्ले करते नजर आएंगे पोसानी कृष्णा मुरली ने कमिश्नर पी कृष्णा मुरारी का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा को इस फिल्म डीजीपी दिलीप रावत का रोल दिया गया था सूर्या ने भरानी का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो बिफोर सर्जरी वाला था वो इसमें डाला हुआ है आफ्टर सर्जरी जो अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल है वो गौतम राजू ने प्ले किया हुआ है तग्गु बोतू रमेश इस फिल्म में ड्रंकार्ड के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा वामसी ने इस फिल्म में वेंकट रत्नम का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के फादर का रोल है कल्पलता इस फिल्म में अर्जुन की मां का रोल प्ले

बाईस 23 में तेलुगु वर्जन में क्रिएट किया गया था जहां पे सोनी म्यूजिक इंडिया के अंडर इस फिल्म को ब, लेबल करा गया था यानी कि सोनी म्यूजिक वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म का पहला गाना चमक चमक पोरी उसको गाया हुआ था अरुण कोंदलिया और एम गायत्री ने जिसको सोनी म्यूजिक के द्वारा पंद्रह मार्च दो को रिलीज करवाया गया था ओ बेबी झारी पोक मांग के करके जो गाना था उसको धनंजय ने गाया हुआ था उसको इक्कीस मार्च दो को रिलीज करवाया गया था सोनी म्यूजिक के द्वारा

वो अर्जुन कल्याण जो किरण अब्बावरम हमें उससे इस इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहता अपने पापा की तरह लेकिन उसके सामने कुछ सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हुए लेकिन वो वही सब चीज़ों के चलते वो किसी तरह से एक सब इंस्पेक्टर बन जाता है हैदराबाद में और वो किसी तरह से इस जॉब को छोड़ना चाहता है इस वजह से वो खुद को सस्पेंड करवाने के पीछे तुला हुआ है कहीं ऐसी कोशिशें करता है लेकिन धीरे धीरे ये सभी चीज़ें करने के चलते वो बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जहाँ पे वो उसकी जो रेपूटेशन है और बेहतर हो जाती है एज सब इंस्पेक्टर के तौर पे जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे वो खुद को एक क्रॉसिंग पाथ करते समय होम मिनिस्टर कंतम भाई रेड्डी जो रोल प्ले करे धनुष पवन उसके साथ कुछ चीज़ें उसकी होती है जहाँ पे लेटर ऑन अर्जुन को सभी चीज़ें पता चलती है उसके पीछे का एक कुछ सच पता चलता है वो सच क्या है अर्जुन अब आगे क्या करेगा वही सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के साथ किरण अब्बावरम जो इस देखा जाए पहली बार पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे वो आउट एंड आउट एक एक्शन रोल में पहली बार देखने को मिले थे इस फिल्म में उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनका एज अ पुलिस ऑफिसर जो एटीट्यूड था वो देखने में आपको पसंद आएगा इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है कि वो अच्छे एक्टर तो है ही लेकिन साथ में अच्छे डांसर भी है जिस तरह से मास सॉन्ग्स के ऊपर उनका जो स्टेप देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने प्री क्लाइमेक्स में जो चीज़ें क्रिएट की हुई थी जो फैंस को डेफिनेटली पसंद आएगी धनुष पवन जो इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम बाई रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उनका काम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नजर आता है किरण अब्बावरम और धनुष पवन इन दोनों के बीच में कुछ फेस ऑफ सीन्स भी रखे हुए हैं उस सीन्स को डायरेक्टर ने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है जहाँ पे ये जिस तरह से धनुष पवन विलन का रोल प्ले कर रहे थे वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट देते हुए नज़र आते पोसानी कृष्णा मुरली और सप्तगिरी इस फिल्म में उनको बड़े रोल मिले हुए थे जहाँ पे अपने इस रोल के साथ वो काफ़ी एंटरटेनिंग नज़र आ रहे थे डेफिनेटली अपने जो पंच डायलॉग्स थे वो थ्रू आउट द फिल्म जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं वो आपको एंटरटेन करते हैं इसके अलावा बाकी के सभी एक्टर्स है वो फिल्म के साथ जस्ट ओके काम करते हुए नज़र आते इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो अच्छा था उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश भी किया था जिस तरह से किरण अब्बावरम को एक मास हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा था जिस तरह से स्टोरी में सभी चीज़ें दिखाई जा रही थी स्टोरी अच्छी थी एंगेजिंग थी साथ ही में एंटरटेनिंग थी लेकिन जिस तरह से उसके स्क्रिप्टिंग की हुई है जिस तरह से काफ़ी सारी पुरानी फिल्मों को उठा के इस फिल्म में सभी चीज़ों को मिक्स किया हुआ है वो सभी चीज़ें देखी दिखाई नजर आती है जिस वजह से जो फ्रेश स्टोरी आइडिया लगने की जो एक संभावना थी वो जिस तरह से कहानी को डेवलप किया गया है जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है कम्पलीटली वो रूटीन और इमप्रॉपर इन लॉजिकल स्क्रीन प्ले नज़र आता है कुछ सीन्स में तो कम्प्लीटली ओवर दी टॉप इन लॉजिकल चीज़ें आपको इतनी देखने को मिल जाती है जो कन्विंस नहीं हो पाती है हीरोइन में आपको अतुल्य रवि देखने को मिलती है उनको बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया गया है जहाँ पे कुछ गानों में वो फीचर होती है इसके अलावा एक दो सीन्स में देखने को मिलती है उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो स्टोरी में कुछ अपना इनपुट दे पाए रोल इतना छोटा था स्टोरी में अगर वो रोल ना भी रखते तो भी उतना कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं था इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है रमेश कडूरी ने जिनका एज ए डिरेक्टर के तौर पर डेब्यू था उनका जो स्टोरी आइडिया था वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग था स्क्रीन प्ले था वो इस फिल्म का जो था वो भी अच्छा था लेकिन in अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वो नयापन आना चाहिए था फिल्म में देखने के देखते समय जो इन्जॉयमेंट मिलनी चाहिए थी वो उतनी नहीं मिल पाती है डायरेक्टर इस फिल्म में स्क्रीन प्ले के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करते स्टोरी को बेहतर वे में डेवलप करते तो हो सकता था चीज़ें काफ़ी उम्मीद से बेहतर हो सकती थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में साई कार्तिक ने अच्छा काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों अच्छे थे मास मोमेंट में जिस तरह से एक्शन सीन्स है वहाँ पे भी बीजेम अच्छा बचता है इसके अलावा सिनेमेटोग्राफिक काफ़ी बढ़िया है चीज़ों को बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया है क्रिस्प तरीके से की गई है हाँ कुछ जगह पे फिल्म की एडिटिंग में और क्रिस्पनेस हो सकती थी करीबन ये फिल्म दो घंटे पाँच दस मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ रिलीज़ हुई है तो आ, आसानी से इस फिल्म को एक घंटे पचपन मिनट के आसपास का रन टाइम मिल सकता था दस मिनट जितनी और क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी नीट नज़र आती है ऑन दी होल मीटर एक मेडियोकर पुलिस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे चीज़ें बोरिंग है अनइम्प्रेसिव है रूटीन और प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने डिलीवर किया है वो पूरी तरह से रूटीन नजर आता है प्रिडिक्टेबल नजर आता है हाँ किरण अब्बावरम आउट एंड आउट एक्शन मास रोल में पहली बार देखने को मिले तो उनको देखने के लिए आप इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकते हो अदरवाइज कोई नयापन आपको ऑफर नहीं होगा मीटर फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे सात अप्रैल दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक टू नेगेटिव मिला था जिसके चलते इस फिल्म को बताया गया था कि बोरिंग है अन है ऐसा कुछ क्रिटिक्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिला था और आई एम डी इस फिल्म ने तीन सौ छियासी वोट हासिल किए उसके बाद में जिसमें तीन पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से जो रेटिंग काफ़ी डाउन मानी जाती है अगर इस हिसाब से जे देखा जाए तो वैसे इस फिल्म के जो तेलुगु ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के जो राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे हिंदी सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड के पास थे तो उन्होंने इस फिल्म को मीटर नाम से ही डब करवाया हुआ है फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु वर्जन में नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन मीटर नाम के साथ देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है जब कभी भी आपको ऑफिशियली ओ पे देखने को मिलेगा तो वो देखने को मिलेगा यूट्यूब चैनल श्री इंटरनेशनल के ऊपर वहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में मीटर नाम से प्रीमियर करवाया जाएगा इसके अलावा इस फिल्म को जेमिनी टी के ऊपर तेलुगु वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए न देख सकते हो हिंदी डब वर्ज़न है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ हिंदी में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मीटर फिल्म को अगर फिलहाल में आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु वर्जन में नेटफ्लिक्स ओटी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन अवेलेबल है आपको इंटरनेशनल के देखने को मिलेगा इसके सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो जेमिनी टीवी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो ठीक उसी तरह स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड टू जैसी चैनल्स के ऊपर मीटर का जो हिंदी डब वर्जन है वो भी आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से मीटर फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में एंजॉय कर पाओगे मीटर जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें बिल्कुल रोमांस को भी थोड़ा तड़का दिया हुआ है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज में सोल्वर रिलीज मतलब कि तेलुगु वर्जन में ही रिलीज़ की गई थी तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसे वर्जनस में रिलीज़ नहीं की हुई थी फ़िल्म को अब बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म का स्टोरी आइडिया था वो था रमेश सूर्या का जिसके ऊपर उन्होंने स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे और इस फिल्म की कहानी को रमेश कडूरी ने डायरेक्ट किया हुआ था तो रमेश और सूर्य ये दोनों ने मिलकर स्क्रिप्टिंग डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें तैयार की उसके बाद में रमोज रमेश कडोरी जो इस फिल्म के राइटर भी थे तो उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के साथ काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी था कॉन्सेप्ट था वो एक डिसेंट कॉन्सेप्ट था इस फिल्म के लीड रोल में किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे अतुल्य रवि उनके अपोजिट कास्ट की गई है इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी वेंकट दिलीप चुंदूर दूर ने की हुई है सुरेश सारंगम ने भी सिनेमेटोग्राफी में काम किया हुआ था इसके अलावा फिल्म की जो एडिटिंग है वो किए हुई है कार्तिका श्रीनिवास ने कार्तिका श्रीनिवास ने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया है लेकिन जब इस फिल्म को ओ टी प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर फिल्म सिर्फ दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ प्रीमियर हुई थी इसका मतलब कि दो तीन मिनट का जो डिफरेंस है वो आपको डेफिनेटली ओ रिलीज में देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म के जो सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेशन मिला था वो था यूए जहां पे तेरा साल और उससे बड़े बच्चे अपने पेरेंट्स की फैमिली फे, फ्रेंडली फिल्म ही कह सकते हैं इसमें ऐसा कोई न्यूडिटी वलगरिटी वाले से चीजें नहीं डाली हुई थी तो डेफिनेटली ये फिल्म फैमिली ऑडियंस भी इंजॉय कर सकती है अब बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस की तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था क्लेप एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने लो मीडियम बजट में इस फिल्म को बनाया था वहीं पे इस फिल्म को प्रेजेंट और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था मैथ्री मूवी मेकर्स वालों ने जहाँ पे मैथ्री मूवी मेकर्स वालों ने इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज़ करवाया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो म्यूजिक के राइट साई कार्तिक ने सॉरी म्यूजिक कंपोजिशन साई कार्तिक ने की हुई थी सोनी तो म्यूजिक इंडिया वालों ने राइट्स खरीदे थे फिल्म में सिर्फ तीन गाने थे वैसे फिल्म का रन टाइम भी करीब थे करीबन दो घंटे के आसपास का ही रन टाइम था तो उस हिसाब से चीज़ें काफ़ी शॉर्ट और फास्ट वे में रखी हुई थी स्क्रीन प्ले में चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड वे में दिखाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे जिन्होंने अर्जुन कल्याण का रोल प्ले किया हुआ है उनका यंग वर्जन था वो मास्टर रोशन ने प्ले किया हुआ था तुल्या रवि जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी जो अर्जुन के लव इंट्रेस का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी आपको धनुष पवन ने इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम बाई रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है सब तक ये इस फिल्म में अर्जुन के अंकल का रोल प्ले करते नजर आएंगे पोसानी कृष्णा मुरली ने कमिश्नर पी कृष्णा मुरारी का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा को इस फिल्म में डीजीपी दिलीप रावत का रोल दिया गया था सूर्या ने भरानी का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो बिफोर सर्जरी वाला था वो इसमें डाला हुआ है आफ्टर सर्जरी जो अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल है वो गौतम राजू ने प्ले किया हुआ है तग्गु बोतू रमेश इस फिल्म में ड्रंकार्ड के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा वामसी ने कत्तीन इस फिल्म में एस आई वेंकट रत्नम का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के फादर का रोल है कल्पलता इस फिल्म में अर्जुन की मां का रोल प्ले

बाईस 23 में तेलुगु वर्जन में क्रिएट किया गया था जहाँ पे सोनी म्यूजिक इंडिया के अंडर इस फिल्म को ब, लेबल करा गया था यानी कि सोनी म्यूजिक वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म का पहला गाना चमक चमक पोरी उसको गाया हुआ था अरुण कोंदलिया और एम एल गायत्री ने जिसको सोनी म्यूजिक के द्वारा पंद्रह मार्च दो को रिलीज करवाया गया था ओ बेबी जारी पोक मांग के करके जो गाना था उसको धनंजय ने गाया हुआ था उसको इक्कीस मार्च दो को रिलीज करवाया गया था सोनी म्यूजिक के द्वारा मीटर टाइटल टाइटल सॉन्ग था 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 जो जो ट्रैक उसको कार्तिक ने गाया हुआ था, जो इस फिल्म के म्यूजिक तो फिलहाल में, तो में सभी गाने आपको सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है वो अर्जुन कल्याण जो किरण अब्बावरम है उससे इस इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहता अपने पापा की तरह लेकिन उसके सामने कुछ सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हुए लेकिन वो वही सब चीज़ों के चलते वो किसी तरह से एक सब इंस्पेक्टर बन जाता हैदराबाद में और वो किसी तरह से इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं इस वजह से वो खुद को सस्पेंड करवाने के पीछे तुला हुआ है कहीं ऐसी कोशिशें करता है लेकिन धीरे धीरे ये सभी चीज़ें करने के चलते वो बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जहाँ पे वो उसकी जो रेप्यूटेशन है और बेहतर हो जाती है एज़ सब इंस्पेक्टर के तौर पर जहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे वो खुद को एक क्रॉसिंग पाथ करते समय होम मिनिस्टर कंतम भाई रेड्डी जो रोल प्ले करे धनुष पवन उसके साथ कुछ चीज़ें उसकी होती है जहाँ पे लेटर ऑन अर्जुन को सभी चीज़ें पता चलती है उसके पीछे का एक कुछ सच पता चलता है वो सच क्या है अर्जुन अब आगे क्या करेगा वही सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के साथ किरण अब्बावरम जो इस देखा जाए पहली बार पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे वो आउट एंड आउट एक एक्शन रोल में पहली बार देखने को मिले थे इस फिल्म में उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनका एज अ पुलिस ऑफिसर जो एटीट्यूड था वो देखने में आपको पसंद आएगा इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है कि वो अच्छे एक्टर तो है ही लेकिन साथ में अच्छे डांसर भी है जिस तरह से मास सॉन्ग्स के ऊपर उनका जो स्टेप देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने प्री क्लाइमेक्स में जो चीज़ें क्रिएट की हुई थी जो फैंस को डेफिनेटली पसंद आएगी धनुष पवन जो इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम बाई रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे उनका काम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आता है किरण अब्बावरम और धनुष पवन इन दोनों के बीच में कुछ फेस ऑफ सीन्स भी रखे हुए हैं उस सीन्स को डायरेक्टर ने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है जहाँ पे ये जिस तरह से धनुष पवन विलन का रोल प्ले कर रहे थे वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट देते हुए नज़र आते पोसानी कृष्णा मुरली और सप्तगिरी इस फिल्म में उनको बड़े रोल मिले हुए थे जहाँ पे अपने इस रोल के साथ वो काफ़ी एंटरटेनिंग नज़र आ रहे थे डेफिनेटली अपने जो पंच डायलॉग थे वो थ्रू आउट द फिल्म जिस तरह से वो डिलीवर करते वो आपको एंटरटेन करते हैं इसके अलावा बाकी के सभी एक्टर्स है वो फिल्म के साथ जस्ट ओके काम करते हुए नज़र आते इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था अच्छा था उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश भी किया था जिस तरह से किरण अब्बावरम का एक मास हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा था जिस तरह से स्टोरी में सभी चीज़ें दिखाई जा रही थी स्टोरी अच्छी थी एंगेजिंग थी साथ ही में एंटरटेनिंग थी लेकिन जिस तरह से उसके स्क्रिप्टिंग की हुई है जिस तरह से काफ़ी सारे पुरानी फिल्मों को उठा के इस फिल्म में सभी चीज़ों को मिक्स किया हुआ है वो सभी चीज़ें देखी दिखाई नज़र आती है जिस वजह से जो फ्रेश स्टोरी आइडिया लगने की जो एक संभावना थी वो जिस तरह से कहानी को डेवलप किया गया है जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है कम्प्लीटली वो रूटीन और इम प्रॉपर इन लॉजिकल स्क्रीन प्ले नज़र आता है कुछ सीन्स में तो कम्प्लीटली ओवर द टॉप इन लॉजिकल चीज़ें आपको इतनी देखने को मिल जाती है जो कन्विंस नहीं हो पाती है हीरोइन में आपको अतुल्य रवि देखने को मिलती है उनको बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया गया है जहाँ पे कुछ गानों में वो फीचर होती है इसके अलावा एक दो सीन्स में देखने को मिलती है उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो स्टोरी में कुछ अपना इनपुट दे पाए रोल इतना छोटा था स्टोरी में अगर वो रोल ना भी रखते तो भी उतना कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं था इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है रमेश कडूरी ने जिनका एज अ डेक्टर के तौर पर डेब्यू था उनका जो स्टोरी आइडिया था वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग था स्क्रीन प्ले था वो इस फिल्म का जो था वो भी अच्छा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वो नयापन आना चाहिए था फिल्म में देखने के देखते समय जो इंजॉयमेंट मिलनी चाहिए थी वो उतनी नहीं मिल पाती है डायरेक्टर इस फिल्म में स्क्रीन प्ले के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करते स्टोरी को बेहतर वे में डेवलप करते तो हो सकता था चीज़ें काफ़ी उम्मीद से बेहतर हो सकती थी म्यूजिक डिपार्टमेंट में साई कार्तिक ने अच्छा काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों अच्छे थे मास मूवमेंट में जिस तरह से वहाँ पे भी बीजेम अच्छा बचता है इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है चीज़ों को बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया है क्रिस्प तरीके से की गई है हाँ कुछ जगह पर फिल्म की एडिटिंग में और क्रिस्पनेस हो सकती थी करीबन ये फिल्म दो घंटे पाँच दस मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ रिलीज हुई है तो Uh, आसानी से इस फिल्म को एक घंटे पचपन मिनट के आसपास का रन टाइम मिल सकता था दस मिनट जितनी और क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी नीट नज़र आती है ऑन दी हॉल मीटर एक मेडियोकर पुलिस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे चीज़ें बोरिंग है अनइम्प्रेसिव है रूटीन और प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने डिलीवर किया है वो पूरी तरह से रूटीन नज़र आता है प्रिडिक्टेबल नज़र आता है हाँ किरण हम आउट एंड आउट एक्शन मास रोल में पहली बार देखने को मिले तो उनको देखने के लिए आप इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकते हो अदरवाइज कोई नयापन आपको ऑफर नहीं होगा मीटर फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे सात अप्रैल दो इस को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म को बताया गया था कि बोरिंग है अनइम्प्रेसिव है ऐसा कुछ क्रिटिक्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिला था और आई एम डी पे इस फिल्म ने तीन सौ छियासी वोट हासिल किए उसके बाद में जिसमें तीन पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से जो रेटिंग काफ़ी डाउन मानी जाती है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वैसे इस फिल्म के जो तेलुगु ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के जो राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल वारों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे हिंदी सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड के पास थे तो उन्होंने इस फिल्म को मीटर नाम से ही डब करवाया हुआ है फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु वर्जन में नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन मीटर नाम के साथ देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है जब कभी भी आपको ऑफिशियली ओ पे देखने को मिलेगा तो वो देखने को मिलेगा यूट्यूब चैनल श्री इंटरनेशनल के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में मीटर नाम से प्रीमियर करवाया जाएगा इसके अलावा इस फिल्म को जेमिनी टी के ऊपर तेलुगु वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए न देख सकते हो हिंदी डब वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ हिंदी में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि मीटर फिल्म को अगर फिलहाल मैं आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु वर्जन में नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन ही अवेलेबल है या वहीं पे हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको श्री इंटरनेशनल के YouTube चैनल के ऊपर आने वाले समय में बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में मीटर नाम के साथ विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगा इसके सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो जेमिनी टीवी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ प्रीमियर होते हुए हो, देख सकते हो ठीक उसी तरह स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड टू जैसी चैनल्स के ऊपर मीटर का जो हिंदी डब वर्जन है वो भी आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से मीटर फिल्म आप ऑफिशियली ओटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में इंजॉय कर पाओगे मीटर जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें बिल्कुल रोमांस को भी थोड़ा तड़का दिया हुआ है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज में सोलो रिलीज मतलब कि तेलुगु वर्जन में ही रिलीज़ की गई थी तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसे वर्जनस में रिलीज़ नहीं की हुई थी फिल्म को अब बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म का स्टोरी आइडिया था वो था रमेश सूर्या का जिसके ऊपर उन्होंने स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे और इस फिल्म की कहानी को रमेश कडूरी ने डायरेक्ट किया हुआ था तो रमेश और सूर्य ये दोनों ने मिलकर स्क्रिप्टिंग डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें तैयार की उसके बाद में रमोज रमेश कडूरी जो इस फिल्म के राइटर भी थे तो उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के साथ काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी था कॉन्सेप्ट था वो एक डिसेंट कॉन्सेप्ट था इस फिल्म के लीड रोल में किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे अतुल्या रवि उनके अपोजिट कास्ट की गई है इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी वेंकट दिलीप चुंदूर दूर ने की हुई है सुरेश सारंगम ने भी सिनेमेटोग्राफी में काम किया हुआ था इसके अलावा फिल्म की जो एडिटिंग है वो की हुई कार्तिका श्रीनिवास ने कार्तिका श्रीनिवास ने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया है लेकिन जब इस फिल्म को ओ टी पे प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर फिल्म सिर्फ दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ प्रीमियर हुई थी इसका मतलब कि दो तीन मिनट का जो डिफरेंस है वो आपको डेफिनेटली ओ रिलीज में देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म के जो सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेशन मिला था वो था यूए जहां पर तेरह साल और उससे बड़े बच्चे अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकते हैं ये फैमिली फे, फ्रेंडली फिल्म ही कह सकते हैं इसमें ऐसा कोई न्यूडिटी वलगरिटी वाले से चीजें नहीं डाली हुई थी तो डेफिनेटली ये फिल्म फैमिली ऑडियंस भी इंजॉय कर सकती है अब बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस की तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था क्लेप एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने लो मीडियम बजट में इस फिल्म को बनाया था वहीं पे इस फिल्म को प्रेजेंट और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था मैथ्री मूवी मेकर्स वालों ने जहाँ पे मैथ्री मूवी मेकर्स वालों ने इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज करवाया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो म्यूज़िक के राइट्स साई कार्तिक ने सॉरी म्यूजिक कंपोजिशन साई कार्तिक ने की हुई थी सोनी तो म्यूजिक इंडिया वालों ने राइट्स ख़रीदे थे फिल्म में सिर्फ तीन गाने थे वैसे फिल्म का रन टाइम भी करीब थे करीबन दो घंटे के आसपास का ही रन टाइम था तो उस हिसाब से चीज़ें काफ़ी शॉर्ट और फास्ट वे में रखी हुई थी स्क्रीन प्ले में चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड वे में दिखाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे जिन्होंने अर्जुन कल्याण का रोल प्ले किया हुआ है उनका यंग वर्जन था वो मास्टर रोशन ने प्ले किया हुआ था तुल्या रवि जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी जो अर्जुन के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी आपको धनुष पवन ने इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम बाई रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है सप्तगी इस फिल्म में अर्जुन के अंकल का रोल प्ले करते नजर आएंगे पोसानी कृष्णा मुरली ने कमिश्नर पी कृष्णा मुरारी का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा को इस फिल्म डीजीपी दिलीप रावत का रोल दिया गया था सूर्या ने भरानी का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो बिफोर सर्जरी वाला था वो कॉन्सेप्ट अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल है वो गौतम राजू ने प्ले किया हुआ है तग्गु बोतू रमेश इस फिल्म में ड्रंकार्ड के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा वामसि ने इस फिल्म में आई वेंकट रत्नम का रोल प्ले किया है जो अर्जुन के फादर का रोल है कल्पलता इस फिल्म में अर्जुन की मां का रोल प्ले

बाईस 23 में तेलुगु वर्जन में क्रिएट किया गया था जहां पे सोनी म्यूजिक इंडिया के अंडर इस फिल्म को ब, लेबल करा गया था यानी कि सोनी म्यूजिक वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म का पहला गाना चमक चमक पोरी उसको गाया हुआ था अरुण कोंदलिया और एम गायत्री ने जिसको सोनी म्यूजिक के द्वारा पंद्रह मार्च दो को रिलीज करवाया गया था ओ बेबी जारी पोक मांग के करके जो गाना था उसको धनंजय ने गाया हुआ था उसको इक्कीस मार्च दो को रिलीज करवाया गया था सोनी म्यूजिक के द्वारा मीटर टाइटल टाइटल सॉन्ग था 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 जो जो ट्रैक उसको कार्तिक ने गाया हुआ था जो इस फिल्म के म्यूजिक तो द्वारा तो फिलहाल में सभी गाने आपको सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है वो अर्जुन कल्याण जो किरण अब्बावरम हमें उससे इस इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहता अपने पापा की तरह लेकिन उसके सामने कुछ सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हुए लेकिन वो वही सब चीज़ों के चलते वो किसी तरह से एक सब इंस्पेक्टर बन जाता हैदराबाद में और वो किसी तरह से इस जॉब को छोड़ना चाहते इस वजह से वो खुद को सस्पेंड करवाने के पीछे तुला हुआ है कहीं ऐसी कोशिशें करता है लेकिन धीरे धीरे ये सभी चीज़ें करने के चलते वो बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जहाँ पे वो उसकी जो रेपूटेशन है और बेहतर हो जाती है एज़ सब इंस्पेक्टर के तौर पे जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे वो खुद को एक क्रॉसिंग पाथ करते समय होम मिनिस्टर का कंतम भाई रेड्डी जो रोल प्ले करे धनुष पवन उसके साथ कुछ चीज़ें उसकी होती है जहाँ पे लेटर ऑन अर्जुन को सभी चीज़ें पता चलती है उसके पीछे का एक कुछ सच पता चलता है वो सच क्या है अर्जुन अब आगे क्या करेगा वही सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के साथ किरण अब्बावरम जो इस देखा जाए पहली बार पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे वो आउट एंड आउट एक एक्शन रोल में पहली बार देखने को मिले थे इस फिल्म में उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनका एज अ पुलिस ऑफिसर जो एटीट्यूड था वो देखने में आपको पसंद आएगा इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है कि वो अच्छे एक्टर तो है ही लेकिन साथ में अच्छे डांसर भी है जिस तरह से मास सॉन्ग्स के ऊपर उनका जो स्टेप देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने प्री क्लाइमेक्स में जो चीज़ें क्रिएट की हुई थी जो फैंस को डेफिनेटली पसंद आएगी धनुष पवन जो इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम बाई रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उनका काम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र आता है किरण अब्बावरम और धनुष पवन इन दोनों के बीच में कुछ फेस ऑफ सीन्स भी रखे हुए हैं उस सीन्स को डायरेक्टर ने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है जहाँ पे ये जिस तरह से धनुष पवन विलन का रोल प्ले कर रहे थे वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट देते हुए नज़र आते पोसानी कृष्णा मुरली और सप्तगिरी इस फिल्म में उनको बड़े रोल मिले हुए थे जहाँ पे अपने इस रोल के साथ वो काफ़ी एंटरटेनिंग नज़र आ रहे थे डेफिनेटली अपने जो पंच डायलॉग्स थे वो थ्रू आउट द फिल्म जिस तरह से वो डिलीवर करते हैं वो आपको एंटरटेन करते हैं इसके अलावा बाकी के सभी एक्टर्स है वो फिल्म के साथ जस्ट ओके काम करते हुए नजर आते हैं इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो अच्छा था उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश भी किया था जिस तरह से किरण अब्बावरम को एक मास हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा था जिस तरह से स्टोरी में सभी चीज़ें दिखाई जा रही थी स्टोरी अच्छी थी एंगेजिंग थी साथ ही में एंटरटेनिंग थी लेकिन जिस तरह से उसके स्क्रिप्टिंग की हुई है जिस तरह से काफ़ी सारी पुरानी फिल्मों को उठा के इस फिल्म में सभी चीज़ों को मिक्स किया हुआ है वो सभी चीज़ें देखी दिखाई नज़र आती है जिस वजह से जो फ्रेश स्टोरी आइडिया लगने की जो एक संभावना थी वो जिस तरह से कहानी को डेवलप किया गया है जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है कम्प्लीटली वो रूटीन और इम प्रॉपर इन लॉजिकल स्क्रीन प्ले नज़र आता है कुछ सीन्स में तो कम्प्लीटली ओवर दी टॉप इन लॉजिकल चीज़ें आपको इतनी देखने को मिल जाती है जो कन्विंस नहीं हो पाती है हीरोइन में आपको अतुल्य रवि देखने को मिलती है उनको बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया गया है जहाँ पे कुछ गानों में वो फीचर होती है इसके अलावा एक दो सीन्स में देखने को मिलती है उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो स्टोरी में कुछ अपना इनपुट दे पाए रोल इतना छोटा था स्टोरी में अगर वो रोल ना भी रखते तो भी उतना कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं था इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है रमेश कडूरी ने जिनका एज अ डरेक्टर के तौर पर डेब्यू था उनका जो स्टोरी आइडिया था वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग था स्क्रीन प्ले था वो इस फिल्म का जो था वो भी अच्छा था लेकिन And अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वो नयापन आना चाहिए था फिल्म में देखने के देखते समय जो इन्जॉयमेंट मिलनी चाहिए थी वो उतनी नहीं मिल पाती है डायरेक्टर इस फिल्म में स्क्रीन प्ले के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते स्टोरी को बेहतर वे में डेवलप करते तो हो सकता था चीज़ें काफ़ी उम्मीद से बेहतर हो सकती थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में साई कार्तिक ने अच्छा काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों अच्छे थे मास मोमेंट में जिस तरह से एक्शन सीन्स है वहाँ पे भी बीजेम अच्छा बचता है इसके अलावा सिनेमेटोग्राफिक काफ़ी बढ़िया है चीज़ों को बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया है क्रिस्प तरीके से की गई है हाँ कुछ जगह पर फिल्म की एडिटिंग में और क्रिस्पनेस हो सकती थी करीबन ये फिल्म दो घंटे पाँच दस मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ रिलीज़ हुई है तो आ, आसानी से इस फिल्म को एक घंटे पचपन मिनट के आसपास का रन टाइम मिल सकता था दस मिनट जितनी और क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी नीट नज़र आती है ऑन दी होल मीटर एक मेडियोकर पुलिस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे चीज़ें बोरिंग है अनइम्प्रेसिव है रूटीन और प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने डिलीवर किया है वो पूरी तरह से रूटीन नजर आता है प्रिडिक्टेबल नज़र आता है हाँ किरण अब्बावरम आउट एंड आउट एक्शन मास रोल में पहली बार देखने को मिले तो उनको देखने के लिए आप इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकते हो अदरवाइज कोई नयापन आपको ऑफर नहीं होगा मीटर फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे सात अप्रैल दो इस को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म को बताया गया था कि बोरिंग है अनइम्प्रेसिव है ऐसा कुछ क्रिटिक्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिला था और आई एम डी पे इस फिल्म ने तीन सौ छियासी वोट हासिल किए उसके बाद में जिसमें तीन पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से जो रेटिंग काफ़ी डाउन मानी जाती है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वैसे इस फिल्म के जो तेलुगु ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के जो राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल वारों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे हिंदी सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड के पास थे तो उन्होंने इस फिल्म को मीटर नाम से ही डब करवाया हुआ है फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु वर्जन में नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन मीटर नाम के साथ देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्ज़न है जब कभी भी आपको ऑफिशियली ओ पे देखने को मिलेगा तो वो देखने को मिलेगा यूट्यूब चैनल श्री इंटरनेशनल के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में मीटर नाम से प्रीमियर करवाया जाएगा इसके अलावा इस फिल्म को जेमिनी टी के ऊपर तेलुगु वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए न देख सकते हो हिंदी डब वर्ज़न है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ हिंदी में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि मीटर फिल्म को अगर फिलहाल मैं आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु वर्जन में नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो जहाँ पे इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन ही अवेलेबल है या वहीं पर हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको श्री इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले समय में बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में मीटर नाम के साथ विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगा इसके सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो जेमिनी टीवी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो ठीक उसी तरह स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड टू जैसी चैनल्स के ऊपर मीटर का जो हिंदी डब वर्जन है वो भी आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से मीटर फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में एंजॉय कर पाओगे मीटर जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें बिल्कुल रोमांस को भी थोड़ा तड़का दिया हुआ है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज में सोलो रिलीज मतलब कि तेलुगु वर्जन में ही रिलीज़ की गई थी तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसे वर्जनस में रिलीज़ नहीं की हुई थी फ़िल्म को अब बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म का स्टोरी आइडिया था वो था रमेश सूर्या का जिसके ऊपर उन्होंने स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे और इस फिल्म की कहानी को रमेश कडोरी ने डायरेक्ट किया हुआ था तो रमेश और सूर्य ये दोनों ने मिलकर स्क्रिप्टिंग डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें तैयार की उसके बाद में रमोज रमेश कडोरी जो इस फिल्म के राइटर भी थे तो उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के साथ काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी था कॉन्सेप्ट था वो एक डिसेंट कॉन्सेप्ट था इस फिल्म के लीड रोल में किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे अतुल्या रवि उनके अपोजिट कास्ट की गई है इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी वेंकट दिलीप चुंदूरदोर ने की हुई है सुरेश सारंगम ने भी सिनेमाटोग्राफी में काम किया हुआ था इसके अलावा फिल्म की जो एडिटिंग है वो की हुई है कार्तिका श्रीनिवास ने कार्तिका श्रीनिवास ने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया है लेकिन जब इस फिल्म को ओ टी प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर फिल्म सिर्फ दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ प्रीमियर हुई थी इसका मतलब कि दो तीन मिनट का जो डिफरेंस है वो आपको डेफिनेटली ओ रिलीज में देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म के जो सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेशन मिला था वो था यूए जहां पे तेरह साल और उससे बड़े बच्चे अपने पेरेंट्स के परमिशन के साथ इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकते हैं ये फैमिली फे, फ्रेंडली फिल्म ही कह सकते हैं। इसमें ऐसा कोई न्यूडिटी वालगरिटी वाले से चीजें नहीं डाली हुई थी तो डेफिनेटली ये फिल्म फैमिली ऑडियंस भी इंजॉय कर सकती है अब बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस की तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था क्लेप एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने लो मीडियम बजट में इस फिल्म को बनाया था वहीं पे इस फिल्म को प्रेजेंट और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था मैत्री मूवी मेकर्स वालों ने जहाँ पे मैत्री मूवी मेकर्स वालों ने इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज करवाया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो म्यूजिक के राइट साई कार्तिक ने सॉरी म्यूजिक कंपोजिशन साई कार्तिक ने की हुई थी सोनी म्यूजिक इंडिया वालों ने राइट्स खरीदे थे फिल्म में सिर्फ तीन गाने थे वैसे फिल्म का रन टाइम भी करीब थे करीबन दो घंटे के आसपास का ही रन टाइम था तो उस हिसाब से चीज़ें काफ़ी शॉर्ट और फास्ट वे में रखी हुई थी स्क्रीन प्ले में चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड वे में दिखाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे जिन्होंने अर्जुन कल्याण का रोल प्ले किया हुआ है उनका यंग वर्जन था वो मास्टर रोशन ने प्ले किया हुआ था तुलिया रवि जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी जो अर्जुन के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी आपको धनुष पवन ने इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम बाई रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है सप्तक गिर इस फिल्म में अर्जुन के अंकल का रोल प्ले करते नजर आएंगे पोसानी कृष्णा मुरली ने कमिश्नर पी कृष्णा मुरारी का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा को इस फिल्म डीजीपी दिलीप रावत का रोल दिया गया था सूर्या ने भरानी का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो बिफोर सर्जरी वाला था वो कॉन्सेप्ट डाला हुआ है आफ्टर सर्जरी जो अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल है वो गौतम राजू ने प्ले किया हुआ है तग्गु बोतू रमेश इस फिल्म में ड्रंकार्ड के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा वामसी ने इस फिल्म में एस आई वेंकट रत्नम का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के फादर का रोल है कल्पलता इस फिल्म में अर्जुन की माँ का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी समेता गांधी ने इस फिल्म में अर्जुन के ग्रैंड का रोल प्ले किया हुआ है देवी प्रसाद ने इस फिल्म में डी ठाकुर शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा केशव दीपक ने डॉक्टर का रोल प्ले

छमक चम्बक पोरी उसको गाया हुआ था अरुण कोंदलिया और एम एल गायत्री ने जिसको सोनी म्यूजिक के द्वारा 15 मार्च 2023 को रिलीज करवाया गया था ओ बेबी जारी पो के करके जो गाना था उसको धनंजय ने गाया हुआ था उसको 21 मार्च 2023 को रिलीज करवाया गया था सोनी म्यूजिक के द्वारा मीटर टाइटल सॉन्ग था जो टाइटल ट्रैक था उसको साई कार्तिक ने गाया हुआ था जो इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर भी थे जिन्होंने इस गाने को सोनी म्यूजिक वालों ने चार अप्रैल दो को रिलीज किया तो टोटल ये तीन गाने फिलहाल में सभी रिलीज करवा दिए गए सोनी म्यूजिक के द्वारा तो फिलहाल में ये सभी गाने आपको सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की जो कहानी है वो अर्जुन कल्याण जो किरण अब्बावरम है उससे इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे वो और पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहता अपने पापा की तरह लेकिन उसके सामने कुछ सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हुए लेकिन वो वही सब चीज़ों के चलते वो किसी तरह से एक सब इंस्पेक्टर बन जाता है हैदराबाद में और वो किसी तरह से इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं इस वजह से वो खुद को सस्पेंड करवाने के पीछे तुला हुआ है कहीं ऐसी कोशिशें करता है लेकिन धीरे धीरे ये सभी चीज़ें करने के चलते वो बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जहाँ पे वो उसकी जो रेपूटेशन है और बेहतर हो जाती है एज़ सब इंस्पेक्टर के तौर पे जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे वो खुद को एक क्रॉसिंग पाथ करते समय होम मिनिस्टर कंतम भाई रेड्डी जो रोल प्ले करे धनुष पवन उसके साथ कुछ चीज़ें उसकी होती है जहाँ पे लेटर ऑन अर्जुन को सभी चीज़ें पता चलती है उसके पीछे का एक कुछ सच पता चलता है वो सच क्या है अर्जुन अब आगे क्या करेगा वही सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के साथ किरण अब्बावरम जो इस देखा जाए पहली बार पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे वो आउट एंड आउट एक एक्शन रोल में पहली बार देखने को मिले थे इस फिल्म में उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनका एज अ पुलिस ऑफिसर जो एटीट्यूड था वो देखने में आपको पसंद आएगा इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है कि वो अच्छे एक्टर तो है ही लेकिन साथ में अच्छे डांसर भी है जिस तरह से मास सॉन्ग्स के ऊपर उनका जो स्टेप देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने प्री क्लाइमेक्स में जो चीज़ें क्रिएट की हुई थी जो फैंस को डेफिनेटली पसंद आएगी धनुष पवन जो इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम बाई रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे उनका काम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आता है किरण अब्बावरम और धनुष पवन इन दोनों के बीच में कुछ फेस ऑफ सीन्स भी रखे हुए हैं उस सीन्स को डायरेक्टर ने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है जहाँ पे ये जिस तरह से धनुष पवन विलन का रोल प्ले कर रहे थे वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट देते हुए नज़र आते पोसानी कृष्णा मुरली और सप्तगिरी इस फिल्म में उनको बड़े रोल मिले हुए थे जहाँ पे अपने इस रोल के साथ वो काफ़ी एंटरटेनिंग नज़र आ रहे थे डेफिनेटली अपने जो पंच डायलॉग थे वो थ्रू आउट द फिल्म जिस तरह से डिलीवर करते हैं वो आपको एंटरटेन करते हैं इसके अलावा बाकी के सभी एक्टर्स है वो फिल्म के साथ जस्ट ओके काम करते हुए नज़र आते इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो अच्छा था उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश भी किया था जिस तरह से किरण अब्बावरम का एक मास हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा था जिस तरह से स्टोरी में सभी चीज़ें दिखाई जा रही थी स्टोरी अच्छी थी एंगेजिंग थी साथ ही में एंटरटेनिंग थी लेकिन जिस तरह से उसके स्क्रिप्टिंग की हुई है जिस तरह से काफ़ी सारे पुरानी फिल्मों को उठा के इस फिल्म में सभी चीज़ों को मिक्स किया हुआ है वो सभी चीज़ें देखी दिखाई नजर आती है जिस वजह से जो फ्रेश स्टोरी आइडिया लगने की जो एक संभावना थी वो जिस तरह से कहानी को डेवलप किया गया है जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है कम्प्लीटली वो रूटीन और इम्प्रॉपर इन लॉजिकल स्क्रीन प्ले नज़र आता है कुछ सीन्स में तो कम्प्लीटली ओवर दी टॉप इन लॉजिकल चीज़ें आपको इतनी देखने को मिल जाती है जो कन्विंस नहीं हो पाती है हीरोइन में आपको अतुल्य रवि देखने को मिलती है उनको बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया गया है जहाँ पे कुछ गानों में वो फीचर होती है इसके अलावा एक दो सीन्स में देखने को मिलती है उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो स्टोरी में कुछ अपना इनपुट दे पाए रोल इतना छोटा था स्टोरी में अगर वो रोल ना भी रखते तो भी उतना कुछ खास फर्क करने वाला नहीं था इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है रमेश कडूरी ने जिनका एज ए डिरेक्टर के तौर पर डेब्यू था उनका जो स्टोरी आइडिया था वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग था स्क्रीन प्ले था वो इस फिल्म का जो था वो भी अच्छा था लेकिन

अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वो नयापन आना चाहिए था फिल्म में देखने के देखते समय जो इन्जॉयमेंट मिलनी चाहिए थी वो उतनी नहीं मिल पाती है डायरेक्टर इस फिल्म में स्क्रीन प्ले के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करते स्टोरी को बेहतर वे में डेवलप करते तो हो सकता था चीज़ें काफ़ी उम्मीद से बेहतर हो सकती थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में साई कार्तिक ने अच्छा काम किया हुआ है जहाँ पर बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों अच्छे थे मास मोमेंट में जिस तरह से एक्शन सीन्स है वहाँ पर भी बीजेम अच्छा बचता है इसके अलावा सिनेमेटोग्राफिक काफ़ी बढ़िया है चीज़ों को बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया है क्रिस्प तरीके से की गई है हाँ कुछ जगह पर फिल्म की एडिटिंग में और क्रिस्पनेस हो सकती थी करीबन ये फिल्म दो घंटे पाँच दस मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ रिलीज हुई है तो आ, आसानी से इस फिल्म को एक घंटे पचपन मिनट के आसपास का रन टाइम मिल सकता था दस मिनट जितनी और क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी नीट नज़र आती है ऑन दी होल मीटर एक मेडियोकर पुलिस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे चीज़ें बोरिंग है अनइम्प्रेसिव है रूटीन और प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने डिलीवर किया है वो पूरी तरह से रूटीन नज़र आता है प्रिडिक्टेबल नज़र आता है हाँ किरण हम आउट एंड आउट एक्शन मास रोल में पहली बार देखने को मिले तो उनको देखने के लिए आप इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकते हो अदरवाइज कोई नयापन आपको ऑफर नहीं होगा मीटर फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे सात अप्रैल दो इस को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म को बताया गया था कि बोरिंग है अनइम्प्रेसिव ऐसा कुछ क्रिटिक्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिला था और आई एम इस फिल्म ने तीन वोट हासिल किए उसके बाद में जिसमें 3.9 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से जो रेटिंग काफ़ी डाउन मानी जाती है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वैसे इस फिल्म के जो तेलुगु ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के जो राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल वालों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे हिंदी सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड के पास थे तो उन्होंने इस फिल्म को मीटर नाम से ही डब करवाया हुआ है फिलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु वर्जन में नेटफ्लिक्स ओ टी टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन मिट्टर नाम के साथ देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है जब कभी भी आपको ऑफिशियली ओ पे देखने को मिलेगा तो वो देखने को मिलेगा यूट्यूब चैनल श्री इंटरनेशनल के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में मीटर नाम से प्रीमियर करवाया जाएगा इसके अलावा इस फिल्म को जेमिनी टी के ऊपर तेलुगु वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए न देख सकते हो हिंदी डब वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ हिंदी में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि मीटर फिल्म को अगर फिलहाल मैं आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु वर्जन में नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विध देख सकते हो जहां पे इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन ही अवेलेबल है आपको इंटरनेशनल के देखने को मिलेगा इसके सेटेलाइट राइट्स की बात करें तो जेमिनी टीवी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो ठीक उसी तरह स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड टू जैसी चैनल्स के ऊपर मीटर का जो हिंदी डब वर्जन है वो भी आप बिल्कुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से मीटर फिल्म आप ऑफिशियली और के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में एंजॉय कर पाओगे मीटर जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें बिल्कुल रोमांस को भी थोड़ा तड़का दिया हुआ है तो ये एक तेलुगु लैंग्वेज में सोलो रिलीज मतलब कि तेलुगु वर्जन में ही रिलीज़ की गई थी तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी ऐसे वर्जनस में रिलीज़ नहीं की हुई थी फिल्म को अब बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म का स्टोरी आइडिया था वो था रमेश सूर्या का जिसके ऊपर उन्होंने स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए थे और इस फिल्म की कहानी को रमेश कडूरी ने डायरेक्ट किया हुआ था तो रमेश और सूर्य ये दोनों ने मिलकर स्क्रिप्टिंग डायलॉग स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें तैयार की उसके बाद में रमोज रमेश कडोरी जो इस फिल्म के राइटर भी थे तो उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म के साथ काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी था कॉन्सेप्ट था वो एक डिसेंट कॉन्सेप्ट था इस फिल्म के लीड रोल में किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे अतुल्या रवि उनके अपोजिट कास्ट की गई है इसके अलावा टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी वेंकट दिलीप चुंदूर ने की हुई है सुरेश सारंगम ने भी सिनेमेटोग्राफी में काम किया हुआ था इसके अलावा फिल्म की जो एडिटिंग है वो किए हुए कार्तिका श्रीनिवास ने कार्तिका श्रीनिवास ने इस फिल्म को करीबन एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि दो घंटे सात मिनट का रन टाइम दिया है लेकिन जब इस फिल्म को ओ टी पे प्रीमियर करवाया गया वहाँ पर फिल्म सिर्फ दो घंटे चार मिनट के रन टाइम के साथ प्रीमियर हुई थी इसका मतलब कि दो तीन मिनट का जो डिफरेंस है वो आपको डेफिनेटली ओ रिलीज़ में देखने को मिलेगा इसके अलावा इस फिल्म के जो सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेशन मिला था वो था यू जहाँ पे तेरह साल और उससे बड़े बच्चे अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकते हैं ये फैमिली फैमिली फ्रेंडली फिल्म ही कह सकते हैं इस इसमें ऐसा कोई न्यूडिटी वलगरिटी वाले से चीज़ें नहीं डाली हुई थी तो डेफिनेटली ये फिल्म फैमिली ऑडियंस भी इन्जॉय कर सकती है अब बात करें इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस की तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था क्लेप एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने लो मीडियम बजट में इस फिल्म को बनाया था वहीं पे इस फिल्म को प्रेजेंट और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था मैथ्री मूवी मेकर्स वालों ने जहाँ पे मैथ्री मूवी मेकर्स वालों ने इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में रिलीज करवाया था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर अब हम बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो म्यूज़िक के राइट साई कार्तिक ने सॉरी म्यूज़िक कंपोजिशन साई कार्तिक ने की हुई थी सोनी तो म्यूजिक इंडिया वालों ने राइट्स खरीदे थे फिल्म में सिर्फ तीन गाने थे वैसे फिल्म का रन टाइम भी करीब थे करीबन दो घंटे के आसपास का ही रन टाइम था तो उस हिसाब से चीज़ें काफ़ी शॉर्ट और फास्ट वे में रखी हुई थी स्क्रीन प्ले में चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड वे में दिखाया हुआ था इस फिल्म के लीड कास्ट में आपको किरण अब्बावरम देखने को मिलेंगे जिन्होंने अर्जुन कल्याण का, 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 का रोल प्ले किया हुआ है उनका यंग वर्जन था वो मास्टर रोशन ने प्ले किया हुआ था तुल्या रवि जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही थी जो अर्जुन के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी आपको धनुष पवन ने इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम बाई रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है सप्तक इस फिल्म में अर्जुन के अंकल का रोल प्ले करते नजर आएंगे पोसानी कृष्णा मुरली ने कमिश्नर पी कृष्णा मुरारी का रोल प्ले किया हुआ है विनय वर्मा को इस फिल्म में डीजीपी दिलीप रावत का रोल दिया गया था सूर्या ने भरानी का रोल प्ले किया हुआ है पृथ्वीराज ने अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल प्ले किया हुआ है जो बिफोर सर्जरी वाला था वो इसमें डाला हुआ है आफ्टर सर्जरी जो अर्जुन के गर्लफ्रेंड के फादर का रोल है वो गौतम राजू ने प्ले किया हुआ है तग्गु बोतू रमेश इस फिल्म में ड्रंकार्ड के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा वामसि ने इस फिल्म में आई वेंकट रत्नम का रोल प्ले किया हुआ है जो अर्जुन के फादर का रोल है कल्पलता इस फिल्म में अर्जुन की माँ का रोल प्ले

बाईस तेईस में तेलुगु वर्जन में क्रिएट किया गया था जहां पर सोनी म्यूजिक इंडिया के अंडर इस फिल्म को ब, लेबल करा गया था यानी कि सोनी म्यूजिक वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए थे इस फिल्म का पहला गाना चमक चमक पोरी उसको गाया हुआ था अरुण कोंदलिया और एम एल गायत्री ने जिसको सोनी म्यूजिक के द्वारा 15 मार्च 2023 को रिलीज करवाया गया था ओ बेबी जारी पोक मांग के करके जो गाना था उसको धनंजय ने गाया हुआ था उसको 21 मार्च 2023 को रिलीज करवाया गया था सोनी म्यूजिक के द्वारा

वो अर्जुन कल्याण जो किरण अब्बा और हमें इस इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहता अपने पापा की तरह लेकिन उसके सामने कुछ सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हुए लेकिन वो वही सब चीज़ों के चलते वो किसी तरह से एक सब इंस्पेक्टर बन जाता है हैदराबाद में और वो किसी तरह से इस जॉब को छोड़ना चाहते इस वजह से वो खुद को सस्पेंड करवाने के पीछे तुला हुआ है कहीं ऐसी कोशिशें करता है लेकिन धीरे धीरे ये सभी चीज़ें करने के चलते वो बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जहाँ पे वो उसकी जो रेप्यूटेशन है और बेहतर हो जाती है एज़ सब इंस्पेक्टर के तौर पे जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पे वो खुद को एक क्रॉसिंग पाथ करते समय होम मिनिस्टर कंतम भाई रेड्डी जो रोल प्ले करे धनुष पवन उसके साथ कुछ चीज़ें उसकी होती है जहाँ पे लेटर ऑन अर्जुन को सभी चीज़ें पता चलती है उसके पीछे का एक कुछ सच पता चलता है वो सच क्या है अर्जुन अब आगे क्या करेगा वही सब सवालों के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म के साथ किरण अब्बावरम जो इस देखा जाए पहली बार पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे वो आउट एंड आउट एक एक्शन रोल में पहली बार देखने को मिले थे इस फिल्म में उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनका एज अ पुलिस ऑफिसर जो एटीट्यूड था वो देखने में आपको पसंद आएगा इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से प्रूव किया हुआ है कि वो अच्छे एक्टर तो है ही लेकिन साथ में अच्छे डांसर भी है जिस तरह से मास सॉन्ग्स के ऊपर उनका जो स्टेप देखने को मिलता है जिस तरह से उन्होंने प्री क्लाइमेक्स में जो चीज़ें क्रिएट की हुई थी जो फैंस को डेफिनेटली पसंद आएगी धनुष पवन जो इस फिल्म में होम मिनिस्टर कंतम बाई रेड्डी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उनका काम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आता है किरण अब्बावरम और धनुष पवन इन दोनों के बीच में कुछ फेस ऑफ सीन्स भी रखे हुए हैं उस सीन्स को डायरेक्टर ने अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है जहाँ पे ये जिस तरह से धनुष पवन विलन का रोल प्ले कर रहे थे वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट देते हुए नज़र आते हैं पोसानी कृष्णा मुरली और सप्तगिरी इस फिल्म में उनको बड़े रोल मिले हुए थे जहाँ पे अपने इस रोल के साथ वो काफ़ी एंटरटेनिंग नज़र आ रहे थे डेफिनेटली अपने जो पंच डायलॉग्स थे वो थ्रू आउट द फिल्म जिस तरह से डिलीवर करते हैं वो आपको एंटरटेन करते हैं इसके अलावा बाकी के सभी एक्टर्स है वो फिल्म के साथ जस्ट ओके काम करते हुए नजर आते इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था वो अच्छा था उसको अच्छी तरह से इस्टेब्लिश भी किया था जिस तरह से किरण अब्बावरम को एक मास हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा था जिस तरह से स्टोरी में सभी चीज़ें दिखाई जा रही थी स्टोरी अच्छी थी एंगेजिंग थी साथ ही में एंटरटेनिंग थी लेकिन जिस तरह से उसके स्क्रिप्टिंग की हुई है जिस तरह से काफ़ी सारे पुरानी फिल्मों को उठा के इस फिल्म में सभी चीज़ों को मिक्स किया हुआ है वो सभी चीज़ें देखी दिखाई नज़र आती है जिस वजह से जो फ्रेश स्टोरी आइडिया लगने की जो एक संभावना थी वो जिस तरह से कहानी को डेवलप किया गया है जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है कम्प्लीटली वो रूटीन और इम प्रॉपर इन लॉजिकल स्क्रीन प्ले नज़र आता है कुछ सीन्स में तो कम्प्लीटली ओवर दी टॉप इन लॉजिकल चीज़ें आपको इतनी देखने को मिल जाती है जो कन्विंस नहीं हो पाती है हीरोइन में आपको अतुल्या रवि देखने को मिलती है उनको बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया गया है जहाँ पे कुछ गानों में वो फीचर होती है इसके अलावा एक दो सीन्स में देखने को मिलती है उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो स्टोरी में कुछ अपना इनपुट दे पाए रोल इतना छोटा था स्टोरी में अगर वो रोल ना भी रखते तो भी उतना कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं था इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है रमेश कडूरी ने जिनका एज ए डरेक्टर के तौर पर डेब्यू था उनका जो स्टोरी आइडिया था वो काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग था स्क्रीन प्ले था वो इस फिल्म का जो था वो भी अच्छा था लेकिन 边呢 अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वो नयापन आना चाहिए था फिल्म में देखने के देखते समय जो इन्जॉयमेंट मिलनी चाहिए थी वो उतनी नहीं मिल पाती है डायरेक्टर इस फिल्म में स्क्रीन प्ले के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते स्टोरी को बेहतर वे में डेवलप करते तो हो सकता था चीज़ें काफ़ी उम्मीद से बेहतर हो सकती थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में साई कार्तिक ने अच्छा काम किया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों अच्छे थे मास मोमेंट में जिस तरह से एक्शन सीन्स है वहाँ पे भी बीजेम अच्छा बचता है इसके अलावा सिनेमेटोग्राफिक काफ़ी बढ़िया है चीज़ों को बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाने की कोशिश की हुई है एडिटिंग फिल्म की काफ़ी बढ़िया है क्रिस्प तरीके से की गई है हाँ कुछ जगह पे फिल्म के एडिटिंग में और क्रिस्पनेस हो सकती थी करीबन ये फिल्म दो घंटे पाँच दस मिनट के आसपास के रन टाइम के साथ रिलीज हुई है तो आ, आसानी से इस फिल्म को एक घंटे पचपन मिनट के आसपास का रन टाइम मिल सकता था दस मिनट जितनी और क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी नीट नज़र आती है ऑन दी होल मीटर एक मेडियोकर पुलिस एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे चीज़ें बोरिंग है अनइम्प्रेसिव है रूटीन और प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन है जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने डिलीवर किया है वो पूरी तरह से रूटीन नज़र आता है प्रिडिक्टेबल नज़र आता है हाँ किरण हम आउट एंड आउट एक्शन मास रोल में पहली बार देखने को मिले तो उनको देखने के लिए आप इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकते हो अदरवाइज कोई नयापन आपको ऑफर नहीं होगा मीटर फिल्म को थिएट्रिकली सिर्फ तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे सात अप्रैल दो को इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया था जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स टू नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म को बताया गया था कि बोरिंग या अनइम्प्रेसिव ऐसा कुछ चुछ चुछ क्रिटिक्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिला था और आई एम डी पे इस फिल्म ने तीन सौ छियासी वोट हासिल किए उसके बाद में जिसमें तीन पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से जो रेटिंग काफ़ी डाउन मानी जाती है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वैसे इस फिल्म के जो तेलुगु ओ राइट्स थे वो खरीदे हुए थे नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन के जो राइट्स थे वो श्री इंटरनेशनल वारों ने खरीदे हुए थे जहाँ पे हिंदी सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड के पास थे तो उन्होंने इस फिल्म को मीटर नाम से ही डब करवाया हुआ है फ़िलहाल में इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलगु वर्जन में नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन मीटर नाम के साथ देख सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब वर्ज़न है जब कभी भी आपको ऑफिशियली ओ पे देखने को मिलेगा तो वो देखने को मिलेगा यूट्यूब चैनल श्री इंटरनेशनल के ऊपर वहाँ पर इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में मीटर नाम से प्रीमियर करवाया जाएगा इसके अलावा इस फिल्म को जेमिनी टी के ऊपर तेलुगु वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए न देख सकते हो हिंदी डब वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ हिंदी में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि मीटर फिल्म को अगर फिलहाल मैं आपको ऑफिशियली देखना है तो तेलुगु वर्जन में नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिस सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो जहां पे इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन ही अवेलेबल है वहीं पर हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको श्री इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले समय में बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में मीटर नाम के साथ विथ इंग्लिश सब देखने को मिलेगा इसके सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो जेमिनी टीवी के ऊपर इस फिल्म का तमिल वर्जन आप बिल्कुल फ्री में मीटर नाम के साथ प्रीमियर होते हुए देख सकते हो ठीक उसी तरह स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड टू जैसी चैनल्स के ऊपर मीटर का जो हिंदी डब वर्जन है वो भी आप बिल्कुल फ्री में इंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से मीटर फिल्म आप ऑफिशियली टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तेलुगु दोनों वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे तो बस मीटर फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें वो मैंने शेयर कर दिए इस फिल्म को किस तरह से कैसे ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी एक डिटेलिंग दे दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सबसे सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू